जी सर, घर में जरूरी है बस। बस घर में गुजरनी थी ये, तो चलो जिस तरह थी चलो ये थी। ये अच्छी बात थी कि चलो पूरे पाकिस्तान में आ गई थी। पहले तो ये था कि हमारी तरफ पहले आ जाती थी या बाकी गवर्नमेंट की एक दिन बात होती थी, तो वो सिलसिला इस साल नहीं था। तो ये चलो एक खुशाइन बात थी कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन नहीं था, तो ये चलो अच्छा जी था। सर, अच्छा चले ठीक है, तो आज क्लास हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज सर मेरा एक ही जी, सर मैंने दो चीज़ें पूछनी थी। हाँ और एक सर मैंने लास्ट टाइम वो पिछली क्लास के बाद रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि लास्ट क्लास में नहीं जैसे कर रहा ना, वो आपको बताया था इंटरनेट के वो इशू हुआ था, तो वो मेरी एक रह गई थी, तो उस मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो क्विज अगर आप रीटेक कर दें उसमें। इस इन क्विजेस का असल में मकसद ही सरप्राइज क्विज का होता है, और ये मैंने वैसे मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं कोई क्विज ले लूं, लेकिन अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम थी, तो स्टूडेंट्स शुड टेक दिस क्लास अ बिट सीरियसली। ठीक है, तो उस दिन मेरे ख्याल से अटेंडेंस उमर इधर था, उमर कितने स्टूडेंट थे, 2 या 3 स्टूडेंट्स थे हार्डली, तो इस वजह से फिर मैंने कंडक्ट की है क्विज, से थोड़ा सा सीरियस, और इसी तरह मैं कंडक्ट करता रहूँगा। तो ये तो है, अगर आपको इंटरनेट का मसला है तो आप HOD से बात करें, HOD आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट की और सारी, वो सर वो इशू उसी टाइम बना था, वो उस दिन का था, वो मतलब हर टाइम में मैं पिछली सारी क्लासेज ऑलमोस्ट ले रहा हूँ ना, तो वो इस तरह बना था कि वो इसे उसी दिन का था। ये कभी कभार यानी जैसा हो जाता तो वो इशू था, ऐसे नहीं कि मतलब परमानेंट इशू नहीं, चलो तो इस बारे में फिर तो बाद ये में इसलिए मैंने फिर वो हाँ वो इसी चलो। तरह। और दूसरी चीज़ आपसे पूछनी थी कि वो FIPs के क्या डेट है और उसका क्या। FIPs के यही होगा कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे मेरे ख्याल से उसके 1 वीक बाद ही आपकी सारी प्रेजेंटेशंस होंगी, तो उसके हम रूब्रिक्स बना रहे हैं कि क्या रूब्रिक्स होंगे आपके FIP के, मतलब किस तरह आपको जज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके FIP में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, कि उसमें मेरे ख्याल से वो होगी कि कंप्लीटनेस उसमें कितनी है, तो इसके अलग मार्क्स होंगे, उसकी जो है इंडस्ट्रियल कोई एप्लीकेशन इसकी है या नहीं है वो उसकी अलग मार्क्स होगी, आपके कोई डेमो किस तरह दिया है या फिर किस तरह डिज़ाइनिंग आपने किस तरह की है, और फिर ये चीज़ें तो इसकी हम रूब्रिक्स बना रहे हैं, तो वो आपके साथ फिर शेयर भी करेंगे कि किस बेस पे आपकी FIP को जो है मार्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम और बना रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से जल्दी आप लोगों के साथ हम फिर शेयर कर लेंगे, तो होगा कोई मेरे अंदाजन डेट कितनी है, कितना को टाइम पाएगा यही मतलब। होगा ना, नॉर्मली जो है हमारी प्रैक्टिस है ना कि आपका जो जब भी फाइनल एग्ज़ाम होगा तो फाइनल एग्ज़ाम के तकरीबन कोई 1 वीक बाद आपका जो है ना FIP की प्रेजेंटेशन तो वो होती है, तो जब भी आपका फाइनल, आई डोंट नो आपका फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, कितने वीक्स रहते हैं, तो आपके फाइनल एग्ज़ाम से 1 वीक बाद ही आपका जो FIP का की फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, वो फिर सारा कुछ उसका होगा। तो हो सकता है कि ये जो 2 वीक यूनिवर्सिटी अभी खुल जाए NCOC की तरफ से, तो मेरे ख्याल से आई है ना कोई डायरेक्शंस आई है कि 24 से ये अभी 24 मई जो है इससे अभी हो सकता है कोई यूनिवर्सिटीज कोई खुल जाए, या हो सकता है 1 जून से खुल जाए, तो देट इज़ नॉट डिसाइडेड येट कि यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है, वो आने देती है आप लोगों को या क्या इसका सिलसिला यही ऑनलाइन बेस सारा सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। तो अगर हो जाए आपके कैंपस में आ जाए तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, लेकिन यही है कि जो FIP है FIP के जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स जब हो जाएंगे तो उसके बाद ही होगी आपकी, मेरे ख्याल से 1 वीक बाद या फिर 10 दिन बाद इस तरह आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा थैंक ओके। यू सर, जो असाइनमेंट आपने दी थी हाँ
हमारी रिकनाइजिंग की, उसके अंदर ना वो आपका रिपोर्ट समझा रहे थे, वहाँ पे मॉडल गेट का जो हम एक फंक्शन यूज करते हैं ना, वहाँ पे एरर आ रहा था, वो सिर्फ मेरा नहीं था, दो तीन बंदे पावर का भी आ रहा था, हमने को लैब में किया वहाँ पे वो सही नहीं हो रहा था, शॉर्ट नहीं हो रहा था, और वो जुपिटर में किया वहाँ पे भी इस तरह का इशू आ रहा था, तो वो चाहे तो दो तीन निकाले थे बट वो उनको सॉल्व नहीं हुआ। कौन सा वाला जो 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 आपने टेंसर फ्लो वाला यूज किया है? जी सर, वो टेंसर फ्लो वाला। वो उसमें मेरे ख्याल से वो जो है ना जो कोलैब है वो टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी यूज करता है डायरेक्ट, वो मेरे ख्याल से केरास की लाइब्रेरी यूज नहीं करता, तो वो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करनी पड़ेगी, उसके देख लेना कमांड्स देख ले कि उसमें क्या उसके लिए क्या डेंस के लिए क्या कमांड है या क्या क्या एरर आपको आ रहा था, आप मुझे फिर प्राइवेटली वो शेयर कर ले तो मैं देख लूँगा फिर इसको। ठीक है, ओके सर। चलो तो क्लासिफिकेशन अभी तक हम कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन है क्या चीज़, किस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई डेटा ह्यूज डेटा कोई आता है तो उसको किस तरह हम क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, के क्लासिफिकेशन में ये है कि वो क्या टाइप है हमारे पास, सुपरवाइज प्लानिंग है, तो सुपरवाइज प्लानिंग हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास लेबल्स ऑलरेडी नोन होते हैं, तो हमने किसी इधर उधर नहीं जाना, हमें पता होता है कि हमारे पास कितनी लेबल्स है, लेबल्स मीन कितनी क्लासेस हैं। ठीक है, तो वो जो है सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि लेबल्स या फिर क्लासेस जो है क्लासेस ऑलरेडी नो। ठीक है, तो ये आपकी जो है लेबल्स है या फिर क्लासेस है आपकी ऑलरेडी नोन होती है। ठीक है, आपने क्या करना होता है सुपरवाइज लर्निंग में के लिंक द डेटा आइटम टू ए स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि लिंक करना होता है एक डेटा आइटम को एक स्पेसिफिक क्लास से। ठीक है, तो वो फिर क्या इसके लिए फिर दो प्रोसीजर हमारे पास होते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोसेस हमारे पास होता है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है कि वो लर्न करता है, आप जो भी मॉडल बनाते हैं, आप डिसीजन ट्री बनाते हैं, नाइबायसिन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ करते हैं, या फिर न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, वो लर्न करता है कि ये किस तरह ये जो डेटा आइटम है, जो कोई भी डेटा आइटम है, ये किस तरह लिंक है टू ए स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है इस डेटा आइटम की जिसके बिना पे ये एक क्लास के साथ लिंक है। ठीक है, तो ये फिर ये लर्निंग प्रोसेस हमारे पास इस तरह होता है, और फिर हम इसको फिर टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट अननोन डेटा, जो अननोन हमारे पास डेटा आइटम होता है, जो वो हमें तो पता होता है लेकिन जो हमारा एक मॉडल होता है उसको पता नहीं होता। ठीक है, तो अननोन डेटा आइटम जो होता है उसको फिर हम देखते हैं कि ये इस क्लास के साथ बाइंड करता है या नहीं। ठीक है, तो उसके बिना पे हम मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे कि इस टेस्टिंग को आप किस तरह मतलब मैयर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से मैयर कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि एक्यूरेसी हमारे पास एक मैयर है कि कितना एक्यूरेटली ये था, किस क्लास में इस डेटा आइटम को किस क्लास में होना चाहिए था, और आया हमारे मॉडल ने भी इस डेटा आइटम को उसी क्लास में रख लिया है या नहीं। ठीक है, तो ये फिर एक्यूरेसी था, रिकॉल और प्रेसिजन था। ठीक है, तो हमने इसके और फिर एफ मैयर्स भी हमारे पास था, तो ये मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, तो इससे आप किसी भी क्लासिफायर की परफॉर्मेंस को मैयर कर सकते। तो ये तो था हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग, इसमें हमने पढ़ा था डिसीजन ट्रीज के बारे में, नाइबायसिन के बारे में पढ़ा हुआ था, और इसके अलावा जो नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम है उसके बारे में पढ़ा हुआ था, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक एल्गोरिथम है वो उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था, और सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमने फिर पढ़ा हुआ था कि ये बेसिकली है बाइनरी क्लासिफायर। ठीक है, तो ये बेसिकली बाइनरी क्लासिफायर है, बाइनरी क्लासिफायर का क्या मतलब है कि हमारे पास सिर्फ टू क्लासेस होते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो क्लासेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी क्लासिफायर। और इस सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने फिर पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, एक वन वर्सेस वन है, ठीक है, जिसमें आपके क्या मानते हैं कि एक क्लास आपकी पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी क्लास आपकी नेगेटिव हो जाती है, और वो फिर इतने क्लासिफायर, बाइनरी क्लासिफायर आप ट्रेन करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास n क्लासेस है तो आपके पास क्लासिफायर कितने बनता है, n इंटू n माइनस वन, या फिर इस तरह कोई फार्मूला था, इतने नंबर ऑफ क्लासिफायर आपके पास बनते हैं। दूसरा जो तरीका था इसका, वो था वन वर्सेस ऑल, या फिर द रेस्ट था हमारे पास, मेरे पास द रेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमारे पास एक क्लास पॉजिटिव हो जाती है और बाकी सारी क्लासेस जो है, जितना भी डाटा है हमारे पास, वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये दो तरीके हैं जिसमें SVM को हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए फिर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने पढ़ा था वो फिर न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क की दो एक की किस्म हमने मेन पढ़ी थी, जो क्या है, MLP, ठीक है, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं और ये एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हमारे पास क्या है कि जिसमें मतलब कोई लूप नहीं लगता, लुकिंग बैक उसमें नहीं होता, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क के लिए जो हमारे पास जो है, जो ट्रेनिंग का जो अल्गोरिदम है वो यूज़ होता है, वो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिदम, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिदम क्या है कि वो जो लॉस फंक्शन है आपका, उसको मिनिमाइज करता है, वो उसको उस नहज पे ले आता है जहाँ पे वो मिनिमल होता है और हमारे पास जो है, जो इसकी लॉस जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास मिनिमल होता है। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की जब जितने भी हमारे वीक्स इसमें लगाए हैं, ये इसका आप देख ले के थोड़ा सा खुलासा है उसका। अभी हम पढ़ेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग वो उसका एक है, सुपरवाइज लर्निंग से डिफरेंट है। उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है, जो क्लासेस है या फिर जो लेबल्स हैं, वो क्या होते हैं, अननोन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पता नहीं होता, हमारे पास सिर्फ डेटा दिया जाता है, और डेटा दिया जाता है और वो हमें कह दिया जाता है कि आप इनको मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर लो, ठीक है। मुख्तलिफ टुकड़ों में बेस्ड ऑन इट्स सिमिलारिटी विद वन अनदर, ठीक है, आप इसको मुख्तलिफ किस्म के टुकड़ों में तकसीम कर लो। तो उस टुकड़ों को जो है, वो जो इसके सब सेट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं क्लस्टर, ठीक है। तो मुख्तलिफ क्लस्टर्स में इसको तकसीम कर लो। तो ये हमारे पास एक अनसुपरवाइज टाइप ऑफ लर्निंग हो गई है कि हमारे पास ऑलरेडी नॉन नहीं होते कोई डेटा आइटम, किसी खास किस्म की क्लास के साथ लिंक नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा होता है, हमें नॉन नहीं होता कि हमारा ये। फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस डेटा को हमने कितने, हाउ मच क्लस्टर्स, ये हमने डिसाइड करना है, ठीक है, कि हमने इसको कितने टुकड़ों में तकसीम करना है। और इसके फिर मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम किस तरह, ये जो क्रिटिकल एक पार्ट है, ये हाउ मच क्लस्टर्स, तो इसको हम फिर जानेंगे आज के आप किस तरह डिसाइड करते। मतलब आपके पास एक डेटा आ गया है तो आप तो मतलब डेटा को देख के आप तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लाखों रिकॉर्ड हो या फिर हज़ारों की तादाद में रिकॉर्ड हो, तो आप उसको देख तो नहीं सकते। तो ये जो है वो फिर किस तरह आप कितने क्लस्टर्स में तकसीम करेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे जो क्लस्टरिंग की जो मुख्तलिफ टेक्निक है कि किस तरह से आप डेटा की क्लस्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर ये हम आज की लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समरी हो गई है, मैंने कहा चलो रोज़ा भी गुजर गया है तो शायद आप लोगों को जहन से निकल गया हो, तो अभी तो माशाल्लाह से आप हशाश पशाश होंगे हैं,
तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये रिवाइज कर लो कि हमने इस कोर्स में पढ़ा क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने की है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का मकसद एक ही है, जो आपका जो सुपरवाइज लर्निंग हो गया है, जो अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया है, और जितनी भी चीज़ें जो रूल्स हमारे पास हो गए, एसोसिएशन रूल्स जो हमने पढ़े हुए थे, तो हमारे पास क्या है, इसका मेन मकसद क्या है। जी सर, एक क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर से एमएलपी वाले से। जी उसमें उसमें भी और न्यूरल नेटवर्क वगैरह में जिसमें आपने वो एक्टिवेशन फंक्शन का बताया था, रेलु हो गए, सिग्मॉइड हो गए, इस तरह के। तो लास्ट लेक्चर में वीडियो सुन रहा था तो उसमें आपने कहा था कि मतलब ये एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम मतलब किस तरह की कर्व चाहते हैं डेटाबेस के डेटा के अंदर ना, डेटा सेट के अंदर। मतलब हमारी एक तो आपने ये बताया था ना कि हम यूज इसलिए करते हैं कि मतलब लाइन हमारी कर्व में भी आ सकती है, अगर डेटा सेट इस तरह का मौजूद है कि कुछ पॉइंट्स इधर हैं और उधर, तो कर्व लाइन भी उसमें बन सकती है। तो उस जगह आपने कहा था कि एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो किस तरह डिफरेंशिएट होगा, मतलब वो लाइन कैसी बनेगी। मेरा सवाल ये था कि मतलब एक्टिवेशन फंक्शन तो बेसिकली ये नहीं कर रहे होते कि कितनी वैल्यू से हमें इनपुट को ट्रिगर करना चाहिए कि ये आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही, मतलब क्लासेस और क्लासिफिकेशन, वो लाइंस वगैरह, ये बहुत चीज तो शुरू के वेट्स नहीं डिसाइड कर रहे होते जो पहले के वो डबल वेट्स इस टाइप के जो होते हैं हमारे पास वो हर ब्रांच होते हैं। एग्जैक्टली, आपके पास दो तरह के क्लासिफायर है, ठीक है। तो दो तरह के जो क्लासिफायर, जो सुपरवाइज लर्निंग में दो तरह के क्लासिफायर हमने पढ़े हुए थे, तो एक है हमारे पास लीनियर क्लासिफायर और एक है हमारे पास जो नॉन लीनियर क्लासिफायर, ठीक है। तो यहाँ तक जो SVM तक हमने पढ़ा हुआ है, जो डिसीजन ट्री नाइबाइसिन के एल्गोरिथम, रूल बेस एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि ये स्ट्रेट लाइन, मतलब आपके पास कोई क्लासेस है, यहाँ पे कुछ क्लासेस है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके पास आइटम्स है और यहाँ पे कुछ आइटम्स है आपके पास, ठीक है। तो इसके दरमियान जो डिसीजन बाउंड्री है वो क्या होती है, आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर होती है, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे पास एक मसला आ गया था कि क्योंकि हमारे पास मतलब बहुत डेटा में ये मुमकिन नहीं है कि हमारे पास लीनियरली वो हम सेपरेट कर सकें, ठीक है। हमारे पास इस तरह, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास इस क्लास का आ गया है, यहाँ पे हमारे पास इस क्लास का आ गया है, यहाँ पे हमारे पास इस क्लास का आ गया, तो इस तरह फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने टिल्ट करना है, ठीक है। तो ये फिर जो डिसाइड करता है, अगर आप देख ले एक्टिवेशन फंक्शन की शेप्स को, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। तो एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली वही है जो वेट्स को वो करता रहता है, लेकिन एक्टिवेशन फंक्शन की जो यहाँ पे शेप जो आपके पास बनती है, ये आपके पास लीनियर क्लासीफायर हो गया है, जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे एक क्लास ए है, यहाँ पे क्लास बी है, आप सीधा सीधा लाइन यहाँ पे खींचते हैं, तो ये आपका क्या हो गया है, आपकी क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो, ठीक है, ये जो डेटा आइटम है इस क्लास से डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन नहीं, कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये दो आइटम जो है इस क्लास में शुरू शामिल हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को निमटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस लाइन को हमें स्ट्रेट लाइन नहीं रखना पड़ता। ये स्ट्रेट लाइन की जो का जो फंक्शन है, ये भी एक एक्टिवेशन फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, y इक्वल टू z, ये लीनियर क्लासिफायर है हमारे पास। अगर हम न्यूरल नेटवर्क में भी लीनियर हम यूज़ करेंगे तो वो भी SVM की तरह काम करेगा, ठीक है, वो फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचेगा। लेकिन अगर हम दूसरे किस्म के क्लासिफायर यूज़ करेंगे तो आप देख ले इसमें जो है आपके पास यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ तो नहीं होगा, वैल्यू होगी, लेकिन वैल्यू की जो है ना आउटपुट, वो आपके पास लीनियर नहीं होगी, ठीक है। वो आपके पास कहीं, आपके पास अगर कंप्लीट आप मतलब आपके पास 4-5 लेयर्स हैं और हर एक न्यूरल नेट, हर एक न्यूरॉन की आप अगर
अगर आप आउटपुट देख लेना तो एक न्यूरॉन के इधर हो गए, एक न्यूरॉन के इधर, वो जुड़ी हुई हो गई। तो यहाँ पे जो मेन आपके डिसीजन बाउंड्री आती है ना, वो लीनियर नहीं होगी। वो किस तरह होगी? वो मतलब टिल्ट होगी एज इट लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपके पास एक डिफरेंस है कि जो मैं कहना चाहता था कि आपके पास जो लीनियर है, हार्ट थ्रेश होल्ड आप इस्तेमाल कर, लॉजिस्टिक आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पास लीनियर फंक्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दूसरे तरफ तरह के फंक्शन है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो है वो पे लीनियर क्लासिफिकेशन आपकी नहीं होगी। ठीक हो गया? ठीक है। जो हमारे बाकी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जैसे CNN है या जो भी हम पढ़ते हैं आगे जाके, तो जो हमारा MLP है, क्या हम कह सकते हैं कि ये जेनेरिक फॉर्म है न्यूरल नेटवर्क की और फिर इसको इम्प्रूव करके हम मुख्तलिफ न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, या वो बाकी कुछ और है और ये MLP कुछ और है? असल में जो आपका CNN है ना, CNN के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो बात लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो शायद मैं CNN पे कोई क्लास नहीं ले रहा था, लेकिन जो CNN और MLP में मेन डिफरेंस है ना आपका, वो ये है कि MLP आपके फीचर जनरेट नहीं करता। MLP में क्या होता है, MLP में एक मिनट में ज़रा वो दूसरा लेक्चर खोल दूँ तो उसके मैं डायग्राम मुझे दोबारा कैंच में नहीं पढ़ेंगे। अगर मुझे MLP का एक मिल जाए, ये तो एक ही है, इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ एक ही डायग्राम है। ठीक है, तो MLP आप कंसिडर कर लें कि इसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स है। ठीक है, तो ये जस्ट न्यूरल नेटवर्क है, मल्टीपल हिडन लेयर्स है। तो मल्टीपल हिडन लेयर्स में आपका क्या होता है, जो MLP में क्या होता है कि यहाँ से इनपुट आता है आपके, यहाँ से मतलब ये कितने इनपुट लेता है, ये दो इनपुट लेता है। ठीक है, तो दो इनपुट ये डेटा आइटम्स लेता है, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन इन्वॉल्व है, ये इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है। और इसमें एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है, आपका ब्यास होता है, आपके वेट्स होते हैं, वो कैलकुलेट होती है थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो ये आपके जो है एक MLP एक आपकी बात ठीक है कि ये एक जेनेरिक फॉर्म, लेकिन ये बी मोर एडवांस। जो जेनेरिक फॉर्म है वो सिर्फ न्यूरल नेटवर्क का है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही हिडन लेयर होता है। तो ये एक जेनेरिक फॉर्म है, जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है वो फिर एक जेनेरिक फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो CNN में अंदर एंड होता है, CNN में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे लेयर्स होते हैं। एक तो ये है कि जो CNN और इसमें मेन डिफरेंस है कि इसका हर एक न्यूरॉन जो है यहाँ पे, वो इसके अगले वाले और पिछले वाले जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ये क्या होता है, एक फुली कनेक्टेड एक आपका नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन अगर आप देख लें, ठीक है, तो इसमें क्या है, आगे वाले न्यूरॉन से और पिछले वाले न्यूरॉन से ये सबसे कनेक्टेड है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, फुली कनेक्टेड नेटवर्क हम इसको कहते हैं, जो आपका MLP होता है। ठीक है, तो आपका ऑन द अदर हैंड जो आपका होता है CNN, वो क्या काम करता है, वो चंक्स में काम करता है। और वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे विंडोज़ होती है। ठीक है, तो वहाँ पे फुली कनेक्टेड आपका नहीं होता, मतलब आप यहाँ पे एक चंक को अगले वाले लेयर से यहाँ पे करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होता कि ये लेयर इस लेयर के हर एक डेटा आइटम के साथ कनेक्टेड होगा, ये किसी स्पेसिफिक चंक से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो CNN है उसमें अपने जो फीचर्स है उसको अपने फीचर जनरेट करने की सलाहियत उसमें होती है। ठीक, तो ये इसमें मेन डिफरेंस है, वो एक एडवांस टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, इसमें जो है ना CNN में दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट जो होता है हमारे पास, वो पहला पार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है क्लासिफायर या फिर क्लासिफिकेशन पार्ट। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट इसके होते हैं, एक होता है फीचर एक्सट्रैक्शन कंपोनेंट, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन कंपोनेंट।
ठीक है, जो जो आपका फीचर एक्सट्रैक्शन कंपोनेंट होता है वो कौन कौन से लेयर्स पे आपके मुश्तमिल होता है, वो आपके मुश्तमिल होता है कन्वोल्यूशन लेयर, कन्वोल्यूशन लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, फिर आपके होता है कूलिंग लेयर्स पे आपका ये मुश्तमिल होता है, ड्रॉप आउट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो फिर आप इसमें बैच नॉर्मलाइजेशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो आपका होता है वो ये दो लेयर्स होते हैं जो इस वजह से इसको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो जो दो लेयर्स मेन जो इसके होते हैं वो होते हैं कन्वोल्यूशन लेयर और फिर क्या होता है कूलिंग लेयर। कन्वोल्यूशन लेयर क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है तो वो क्या उसकी कन्वॉल्विंग इमेज, वहाँ पे एक कन्वोल्यूशन फंक्शन होता है, ठीक है, वो कन्वोल्यूशन फंक्शन का आपको पता है कि किस तरह आप कन्वोल्यूशन किसी मैट्रिक्स की कन्वोल्यूशन आप किस तरह निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है डॉट प्रोडक्ट होती है, तो वो सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेके एक इमेज से दूसरी इमेज बनाता है, ठीक है, तो ये जो और अगर इसका साइज़ जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका साइज़ होता है 16 होता है तो इसमें कितने कन्वोल्यूशन लेयर्स होंगे, उसमें 16 कन्वोल्यूशन लेयर होंगे और वो आपके कितने इमेजेस जनरेट करेगा, वो आपके जनरेट करेगा 16 इमेजेस आपके जनरेट करेगा, ठीक है, तो ये साइज़ इस वजह से यहाँ पे मैटर करता है। फिर आपका ये जो कन्वोल्यूशन एक इमेज से दूसरा एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक इमेज से दूसरा इमेज जनरेट करते हैं, फिर वहाँ पे आपको डायमेंशन भी इसका रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए फिर आप कहते हैं पूलिंग लेयर, ठीक है, वो फिर किसके यूज़ करते हैं कि उसका डायमेंशन जो है रिड्यूस कर लेता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 64x64 की इमेज हो, अगर आप पूलिंग लेयर इस्तेमाल करते हैं विद स्ट्राइड साइज ऑफ 2 तो आपका क्या बन जाता है, वो उसका हाफ बन जाता है 32x32, तो उसकी क्या हो जाती है डायमेंशन जो है वो पे रिड्यूस कर लेता है, ठीक है, तो जो आप मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, मल्टीपल पूलिंग लेयर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई ड्रॉप आउट लेयर इस्तेमाल कर लेते हैं बेस नॉर्मलाइजेशन, तो ये आपका क्या होता है ये आपका फीचर एक्सट्रैक्शन, और फिर आप इसको जो है मैं नाम भूल गया हूँ लेकिन जो स्ट्रेटनिंग करता है एक लेयर होता है, किसी को याद है क्या कौन सा लेयर होता है आखिर में जो होता है फ्लैटनिंग, ठीक है, तो फ्लैटनिंग का एक लेयर होता है, फ्लैटनिंग फ्लैटनिंग लेयर क्या काम कर लेता है, अगर आपके पास इमेजेस हो, ठीक है, तो उसको फ्लैट कर लेता है, मतलब 2D को किस में कन्वर्ट कर लेता है 1D में, ठीक है, तो आपका एक बन जाता है, मतलब आपके पास अगर 2D इमेज आखिर में यहाँ पे कोई बचता है तो उसको जस्ट फ्लैट कर लेता है, उसको 1D में कन्वर्ट कर लेता है, पहला रो फिर उसके बाद दूसरा रो फिर उसके बाद तीसरा रो फिर उसके बाद चौथा रो, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे फ्लैट कर लेता है, जब यहाँ पे फ्लैट कर लेता है तो आपके पास यहाँ पे एक इमेज था फॉर एग्जांपल कन्वोल्यूशन ज़्यादातर इमेजेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2D इमेज था, ठीक है, वो क्या था वो आपके पास 200x200 आपके पास इमेज था, लेकिन आपने मुख्तलिफ आपने कन्वोल्यूशन लेयर कूलिंग लेयर ड्रॉप आउट और फिर ये चीज़ें इस्तेमाल की है, ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल यहाँ पे जो था वो यहाँ पे जो इमेज आ गया वो 10x10 का आ गया, लेट सपोज मतलब 10x10 इतना इसने इतना रिड्यूस कर लिया है और उसको इतना वो कर लिया है कि 10x10 इसका इमेज आ गया, जब आप इसको फ्लैट करते हैं तो आपका जो यहाँ पे फ्लैटनिंग का जो फीचर साइज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 100, ठीक है, आपने रिड्यूस भी कर लिया है, आपने इम्पोर्टेंट पार्ट इससे क्या कर लिए हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए, मतलब 200x200 ये मेरे ख्याल से कितना बनता है, ये बनता है 40,000 का आपने के पास डेटा था और आपने कितना डेटा इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, कितने फीचर आपने 100 फीचर्स इसने एक्सट्रैक्ट करे, तो ये किसका काम है, ये काम है फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट का, ठीक है, जो फ्लैटनिंग से पहले लेयर्स होते हैं तो वो उसका पार्ट है, फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे डेंस लेयर अप्लाई करते हैं, जो क्लासिफिकेशन लेयर होता है आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे डेंस लेयर आप अप्लाई करते हैं, डेंस लेयर आप साइज 100 या फिर 128 या फिर इस तरह
डेंस लेयर्स, मल्टीपल डेंस लेयर, तो डेंस लेयर जो क्लासिफिकेशन लेयर रहता है वो आपका एमएलपी होता है। उसके इनपुट क्या होती है, यही जो फ्लैटनिंग से आई होती है वो उसकी इनपुट आ जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जितने भी डेंस लेयर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी कितनी हो जाती है, वो आपकी हिडन लेयर्स यहाँ पे हो जाती है, और आप जो फाइनल क्लासिफिकेशन एक बनाते हैं उसका एक लेयर बनाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, आउटपुट लेयर हो जाता है। जो इसका जो कन्वोल्यूशन लेयर, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का जो फाइनल एक होता है ना, आपका जो फाइनल लेयर होता है वो कितने के बराबर होता है, जितने आप के क्लासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 8 क्लासेस हैं तो आपकी आखिरी लेयर की साइज़ क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। आपके पास 2 क्लासेस हैं तो आप फिर 2 क्लासेस आपके पास हो सकती है। और यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है तो आप कौन सा मैट्रिक यूज़ करेंगे, बाइनरी क्रॉस ट्रॉपी, ठीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, अगर आपने जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, वो फिर दूसरी किस्म की क्रॉस ट्रॉपी है, मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि कौन सी क्रॉस ट्रॉपी है, यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस, हाँ कैटेगोरिकल क्रॉस ट्रॉपी, ठीक है। तो ये आप फिर कैटेगोरिकल क्रॉस ट्रॉपी और बाइनरी क्रॉस ट्रॉपी आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था लेकिन चलो जो भी है, ठीक है। तो ये आपके पास जो मेन आपके कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और जो एमएलपी के दरमियान का जो डिफरेंस है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपका क्या होता है, 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है। एक पार्ट आपका फीचर एक्सट्रैक्शन का होता है, दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, आपकी क्लासिफिकेशन का होता है। जो फीचर एक्सट्रैक्शन का पार्ट होता है उसमें पूलिंग लेयर आपका हो गया है, कन्वोल्यूशन लेयर आपका हो गया है, फ्लैटनिंग लेयर आपका हो गया है, ड्रॉप आउट लेयर्स आपके हो गए हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स होते हैं। आप इमेज लेते हैं उसका, फिर उसकी जो है फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फ्लैट करते हैं, और जो फ्लैट करते हैं वो आपका इनपुट बन जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन पार्ट, ठीक है। और क्लासिफिकेशन पार्ट आपका सिंपली एमएलपी है, ठीक है। तो सिंपल एमएलपी है, आप किस तरह डिज़ाइन करता है आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और फिर ये दूसरा एमएलपी के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है। तो एमएलपी में ये किस्म के इस किस्म की खसूसियत नहीं है, एमएलपी आपकी फीचर जो है आपको इसको एक्सट्रैक्ट करके देने पड़ते हैं, और सीएनएन में क्या है वो खुद ही अपने फीचर जो है वो फिर जनरेट करता रहता है। इस वजह से सीएनएन बहुत फेवरेट हो गया है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ खुद करके हमें दे देता है। तो इस वजह से बहुत पॉपुलरिटी उसमें इजाफा हो गया है, ख़ासतौर पर अगर आप इमेज प्रोसेसिंग करते हैं या फिर कंप्यूटर विजन पे कोई एप्लीकेशन आप करते हैं तो उस सिलसिले में सीएनएन बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर खराबियाँ थोड़ी सी ये है कि आपको जो ट्रेनिंग सेट है वो उसकी साइज़ थोड़ी सी नहीं लेकिन बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास छोटा एक ट्रेनिंग डेटा है तो वो अच्छी तरह ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि उसको मल्टीपल एग्जांपल चाहिए, ह्यूज किस्म का डेटा उसको चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक है सीएनएन का। तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग फिर आते हैं, जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपकी हो गई है तो इसमें क्या है कि आपके पास जो क्लस्टरिंग की टेक्निक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फिर क्लस्टरिंग एनालिसिस होता क्या है, इसमें हम करते क्या हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसके एक DBSN भी है, इसकी एक टाइप है, चलो टाइम मिले तो वो फिर कर लेंगे, वरना ये दो भी कर ले अच्छी तरीके से तो तब भी ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। जो इसका एक है K-mean algorithm है, ठीक है, K-mean clustering है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये K-mean clustering क्या है। और फिर इसकी दूसरी टाइप है hierarchical जो आपकी clustering है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों की खूबियाँ क्या है, ठीक है, तो वो फिर हम पढ़ेंगे। और फिर इसकी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे कि आप पाइथन में इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस क्या है, हमारे पास जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपको ये कंप्लीट डेटा दिया जाता है,
ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट डेटा आपके पास आ गया है, आपका काम क्या होता है। तो ये सारे जितने भी हम सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है माइनिंग। आपके पास डेटा ऑलरेडी होता है, आप उसको क्या कहते हैं माइन कर, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये है क्या चीज़, और मतलब आपके पास ये डेटा दिया जाता है, तो अगर आप डेटा माइनिंग की जो टेक्निक है, जो क्लस्टरिंग की टेक्निक है, उससे आपको क्या अंदाज़ा हो जाता है, क्या अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसके ग्रुप्स बन जाते हैं, तो आपको आसानी फिर हो जाती है कि ये तो डेटा जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स से बिलोंग करता है, तो आप फिर उस ग्रुप्स के मुताबिक आप फिर फर्दर जो एनालिसिस या फिर डिसीजन मेकिंग होती है वो फिर आप कर सकते हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ, ये डेटा माइनिंग टेक्निक्स, तो ये सारी की सारी डेटा माइनिंग टेक्निक्स है जो आप डेटा पे अप्लाई करते हैं। और डेटा माइनिंग है क्या चीज़ के एक्सप्लोर करें डेटा को, क्या करें एक्सप्लोर करें कि इसमें है क्या चीज़। आपके पास तो डेटा दिया गया है लेकिन आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करें, और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के आपके पास टास्क दिए जाते हैं, तो मुख्तलिफ टास्क की बिना पर आपके पास मुख्तलिफ एल्गोरिथम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ऑलरेडी इसके क्लासेस मौजूद है तो वो क्या होगी, वो आपके पास सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कोई रूल बेस्ड कोई होगा, कोई इसके के दरमियान कोई रूल आपने करना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एसोसिएशन रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसमें क्या मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लस्टरिंग है क्या चीज़, फाइंडिंग ग्रुप्स। ठीक है, आप ग्रुप को फाइंड करते हैं, आप ऑब्जेक्ट सर्च दे द ऑब्जेक्ट इन द ग्रुप विल बी सिमिलर। ठीक है, तो ये इसमें सिमिलरिटी हो गई, ये जो है ये डेटा आइटम इस डेटा आइटम के सिमिलर है, इस डेटा आइटम के सिमिलर, लेकिन इस डेटा आइटम से डिफरेंट है। तो ये जो सिमिलर सिमिलर के डेटा आइटम्स है, आप इसको क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप में रख लेते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, टू वन अनदर एंड डिफरेंट फ्रॉम जो आपके पास जो अनरिलेटेड जो होता है, जो अदर ग्रुप के डेटा आइटम होते हैं उससे आपका ये डिफरेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं, क्लस्टर एनालिसिस हम इसको कहते हैं, कि एक डेटा आपके पास दिया जाता है, आप उसको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो हमारे पास जितने भी हमारे पास है वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी वहाँ पे आते जाते लोग हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, लेकिन वो क्या है, पीपल है। ठीक है, तो हमें डेटा पीपल दिया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पीपल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं ना, आपका क्या है, स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप है कि ये स्टूडेंट है, फैकल्टी का अलग ग्रुप है, स्टाफ का अलग ग्रुप है। ठीक है, तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है। तो किस बेस पे डिवाइड करना है, उनके फीचर्स पे, कि स्टूडेंट्स के किस तरह फीचर्स होंगे, किसी फैकल्टी के किस तरह फीचर्स होंगे, किसी स्टाफ मेंबर के किस तरह फीचर्स होंगे, वो किन किन खूबियों क्या क्या फीचर्स उसमें होंगे, जब इनको स्टूडेंट कहेंगे, फैकल्टी मेंबर में क्या क्या खूबियाँ होंगे जब इसको हम फैकल्टी मेंबर कहेंगे, तो ये क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आपका हमारे पास पीपल का डाटा आ गया है यूनिवर्सिटी से, लेकिन हमने फिर अंडरस्टैंड कर लिया है कि अगर हम कोई क्लस्टरिंग एनालिसिस करते हैं, हमें इस तरह का कोई टास्क दिया जाता है कि इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये तो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ये क्या है, ये फैकल्टी का ग्रुप है, ये स्टाफ का ग्रुप है। इवन स्टूडेंट का अगर आपको डेटा दिया जाता है कि इसको क्या करो, डिवाइड कर लो, ठीक है, किसी ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, तो आपका किस तरह आप फिर डिसाइड करते हैं कि किन किन ग्रुप्स में डिवाइड कर ले, मेल फीमेल ग्रुप्स में डिवाइड कर ले, ब्रिलियंट एक्सेलेंट गुड और बिलो एवरेज स्टूडेंट में डिवाइड कर ले, फैकल्टी वाइज डिवाइड कर ले कि ये क्या है, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर ले कि मैथमेटिक्स का है, ये कंप्यूटर साइंस का है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आपको डिसाइड या फिर टास्क के मुताबिक आपको डिसाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लस्टरिंग जो बेसिकली है क्या चीज़, उन डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है, ये फिर आपके क्या है, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में ये डिवाइड कर, जो यहाँ से एक डेटा जो विद इन द ग्रुप, जो एक डेटा आइटम से दूसरे डेटा आइटम के
दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंट्रा क्लस्टरिंग क्लस्टर डिस्टेंस, ठीक है। तो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस हम इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये विद इन द ग्रुप ये बहुत मिनिमल होता है, ठीक है। लेकिन जो एक ग्रुप का कोई डेटा आइटम होता है उसका दूसरे ग्रुप के डेटा आइटम से फासला जो होता है वो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और उसको हम क्या उसको हम इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रा ये इंट्रा है, हाँ ये इंट्रा है, ये इंटर क्लस्टर है, ठीक है। तो ये इंट्रा है, मैं गलत बोल दिया, ठीक है। ये आपका दो किस्म के डिस्टेंसेस है। तो आपके क्लस्टर एनालिसिस का मकसद क्या होगा कि इन डिस्टेंसेस को कम से कम रखना और इन डिस्टेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ठीक है। एक को मिनिमाइज करना और दूसरे को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो ये आपके पास एक है इसकी क्लस्टरिंग एनालिसिस जो इसकी एप्लीकेशन है। आप क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं डेटा को, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आपके पास यूनिवर्सिटी का डेटा आ जाता है, आप उसको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्लॉइज़ का डेटा आ जाता है, आप उसको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज़ का ग्रुप है, ये टेक्नोलॉजी टू एम्प्लॉइज़ का ग्रुप है, ये फाइनेंशियल का ग्रुप है, ये कोई ऑयल से रिलेटेड कोई ग्रुप है, ठीक है। तो आप ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्लस्टर उसकी बना लेते हैं। तो आप इसकी क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग एक हो जाती है। दूसरा जो है आपकी क्या हो जाती है, एक समराइजेशन आप कर लेते हैं, ठीक है। आप समराइज कर लेते हैं डेटा को। आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है, उसका कोई सबसेट आपको चाहिए, ठीक है। कोई सबसेट आपको चाहिए बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी बिटवीन द डेटा आइटम्स, ठीक है। आपको कोई सबसेट चाहिए उसका, ठीक है। तो आप क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, आप क्लस्टरिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द होल डेटा सेट, होल ह्यूज जो आपके पास डेटा सेट, आप उसका एक सबसेट आप फिर अपने एनालिसिस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की एक एप्लीकेशन है कि एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दूसरी आपकी क्या है, एक समराइजेशन पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके जो है आपको ये भी जहन में रखना है कि ये चीज़ें आपके पास क्लस्टर एनालिसिस नहीं है, मतलब इससे भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं ये, लेकिन ये चीज़ें जो स्पेसिफिकली है आपके पास क्लस्टरिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप सिंपल सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डिवाइड स्टूडेंट टू डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ग्रुप अल्फाबेटिकली बाय नेम, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सेगमेंटेशन हो गई है, तो ये कोई आपके पास क्लस्टरिंग एनालिसिस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के इस तरह टास्क होते हैं जो आप इसको क्लस्टरिंग नहीं कह सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एसक्यूएल की क्यूरी अप्लाई की है, उसमें आपको ग्रुप बाय किया है, या फिर आपने वेयर की कमांड यूज़ की है, तो उसमें आपके पास एक ग्रुप आ गया है, सबसेट ऑफ डाटा आ गया है, लेकिन वो भी आपके पास क्या है, क्लस्टरिंग नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास अगर सुपरवाइज आप एसवीएम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हैं, वो भी आपके पास क्लस्टरिंग नहीं है। और फिर जो एसोसिएशन रूल्स आपके होते हैं, जो एसोसिएशन एनालिसिस के ज़रिए आप कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपके पास क्या नहीं है, वो आपके पास क्लस्टरिंग नहीं है। तो ये चार चीज़ें हैं जो अगर आपको कहा जाता है कि आया ये सिंपल सेगमेंटेशन जो है ये क्लस्टरिंग की एग्जांपल है, तो ये जहन में आपने रखना है कि ये भाई क्लस्टरिंग की एग्जांपल नहीं है। क्लस्टरिंग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के उसके टेक्निक होते हैं, उस टेक्निक के बिना पे हमारे पास जो ग्रुप्स बनते हैं सिर्फ वही हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बगैर जो है सिंपल क्यूरी से या फिर सिंपल सॉर्टिंग से या फिर कोई सुपरवाइज कोई क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं या कोई एसोसिएशन रूल्स हम सिंपल कोई अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके ज़रिए हमारे पास कोई सबसेट ऑफ डेटा आ जाता है, कोई ग्रुप्स ऑफ डेटा आ जाता है, तो वो हमारे पास क्लस्टर हरगिज नहीं है, ठीक है। ये अपने जहन में रखना है। फिर ठीक है, तो इसमें फिर वही जो है आपने फिर डिसाइड किस तरह करना है कि हमने क्या करना है, मतलब हमने हमारे पास एक डेटा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर आपने किस तरह डिसाइड किस तरह करना है
कि ये इसके कितने क्लस्टर बना सकते हैं, तो आप में कोई बता सकता है इस ये जो डेटा हमें दिया गया है इसके हम कितने क्लस्टर बना सकते हैं? जी एनीवन? सर दो तो कंफर्म बनेंगे। हाँ दो तो सर इस तरह बना सकते हैं, और इसके अलावा हम इसके मतलब डेटा के ऊपर और डिपेंड करते हैं, जैसे तीन तीन के साइड पे ग्रुप करने पड़े हैं तो वो तीन भी अलग हो सकते हैं। हाँ। और दूसरी साइड वाले भी मजीद डिवाइड किए जा सकते हैं तीनों को। हाँ, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बन सकते हैं, इसमें दो के ग्रुप्स भी बन सकते हैं, मतलब आप इस वाले को इस तरफ कर लें, ठीक है, इस वाले को इस तरफ कर लें, लेकिन क्लस्टरिंग में आपने एक नोटेशन यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रुप आपके पास बना है तो इसका जो शेप होता है आपने डिफरेंट रखना है, मतलब इसका जो है स्क्वायर का रेड स्क्वायर का शेप आ गया है, इसमें क्या है जो आपके पास जो है दूसरा टाइप का जो आपके पास शेप आ गया, तो इसका शेप और इसका कलर आपने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप बन गया है, आपके पास दूसरा ग्रुप बन गया है, लेकिन अगर आप फर्दर इसकी एनालिसिस कर ले इसमें आपके जो है सिक्स क्लस्टर भी बन सकते हैं, मतलब ये आपके पास एक क्लस्टर हो गया है, ये तीन डेटा आइटम्स वाला, चार डेटा आइटम्स वाला दूसरा क्लस्टर, ये सो सिक्स क्लस्टर भी बन सकते हैं, आपके पास फोर क्लस्टर्स भी बन सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिसाइड करते हैं कि आपने कितने क्लस्टर बनाने हैं इसके, या फिर आपको कोई टास्क दिया जाता है कि इतने क्लस्टर आपने बनाने हैं, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम किस तरह क्लस्टर को सेलेक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, वो उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जस्ट एक नोटेशन टाइप है कि आपने मुख्तलिफ क्लस्टर को मुख्तलिफ किस्म के नोटेशंस आपने देने हैं, ठीक है। तो क्लस्टरिंग क्या है, सेटअप क्लस्टर्स है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन हायरार्किकल एंड पार्शियल सेटअप क्लस्टर, ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म के मेन क्लस्टर्स होते हैं, एक हायरार्किकल होते हैं और एक क्या होते हैं पार्टिशनल, ठीक है, तो एक पार्टिशनल होते हैं एक होते हैं हायरार्किकल, दो तरह की हम क्लस्टरिंग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो पार्टिशनिंग वाला है वो क्या है कि जो पिछले वाला जो पिछले स्लाइड में हमने अभी देखा था वो उसको हमने किस तरह पर हल किया है, जस्ट पार्टिशनिंग की है, ठीक है, कि ये नज़दीक है तो इसके दरमिया इसके इर्द गिर्द दायरा खींचो, इसके इर्द गिर्द दायरा खींचो, ठीक है, तो वो क्या था जो पिछले स्लाइड में था हमारे पास, वो क्या थी, वो थी पार्टिशनिंग की एग्जांपल थी। फॉर एग्जांपल इसके इर्द गिर्द दायरा खींचो, मतलब अगर उनके इसको सिक्स क्लस्टर में डिवाइड करते हैं तो इसके इर्द गिर्द दायरा, इसके सर्कल, ये सर्कल हो गया है, ये सर्कल हो गया है, ठीक है, तो हम इसको देख के हम फिर क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है, तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, पार्टिशनिंग कर लेते हैं। और ये किस बेस पे होती है, तो जो मेन फंक्शन है जो किसी भी क्लस्टरिंग के अंदर जो यूज होता है वो क्या है, वो है हमारे पास सिंपली जो हमारे पास है इक्विलिडियन डिस्टेंस या महलनोबिस डिस्टेंस, ठीक है, तो सिंपली डिस्टेंस, डिस्टेंस वो चीज़ है जो ये चीज़ डिसाइड करता है कि इस डेटा आइटम को कौन से क्लस्टर में हो रहा है, कितना नज़दीक है कितना दूर है, है ना, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है जस्ट हम इस डेटा आइटम का बाकी सारे डेटा आइटम्स के दरमियान जो है वो क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जो सबसे करीब होता है इसका वही इसका ग्रुप बन जाता है, उसी ग्रुप में ये शामिल हो जाता है। ये बेसिकली जो सिंपल मैथ्स है, जो इक्विलिडियन डिस्टेंस का फार्मूला है वही सिंपली इसमें यूज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें क्लस्टरिंग में कि आपका कोई मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशंस इसमें होती है, सिंपली जो इक्विलिडियन डिस्टेंस है या जो महलनोबिस डिस्टेंस है वही आपका यूज होता है, ठीक है। तो पार्टिशनिंग आपका क्या होता है, पार्टिशनिंग क्लस्टर आपका क्या होता है, डिवीजन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट इनटू नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, वो नॉन ओवरलैपिंग एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगा, सर्कल आप जो खींचते हैं ना वो ओवरलैप नहीं करेगा, सबसेट सच दैट
each data object is in exactly one subset. ठीक है, तो इस तरह आप दायरा किस तरह खींचेंगे कि उसमें क्या है कि उसमें दूसरे ग्रुप के मेंबर उसमें शामिल ना हो जाए. ठीक है, तो ये आपका क्या, कौन सी टेक्निक है, ये पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग है. ठीक है, दूसरी जो तरह की जो टेक्निक है हमारे पास वो है हायरार्चिकल, जो हमारे पास क्लस्टरिंग है, सेट अप नेस्टेड क्लस्टर ऑर्गेनाइज्ड एज ए हायरार्चिकल ट्री. तो इसकी हम क्या बनाते हैं, ट्री बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो उसमें नोड होता है, जो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा होता है वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल क्लस्टर होता है. मतलब ये आपका ऑल क्लस्टर हो गया है, इसको फिर दो हिस्सों में छोटा क्लस्टर इधर बना लिया है, छोटा क्लस्टर इधर बना लिया है. ठीक है, और फिर आपने इस क्लस्टर को भी आपने फर्दर चेंज करना है, इसके एक छोटा क्लस्टर इधर बन गया है, एक छोटा क्लस्टर इधर बन गया है. ठीक है, इसको भी अगर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसी दो क्लस्टर में, तो आप तो इस तरह आपकी हायरार्चिकल किस्म की आपकी शेप बन जाती है. ठीक है, तो ये आप फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितने क्लस्टर चाहिए, तो आप उसी लेवल पर क्या कर लेते हैं, कट लगा लेते हैं कि हमें इतने क्लस्टर चाहिए. तो एक आपके पास पार्टिशनल क्लस्टरिंग हो गई है, एक आपके पास हायरार्चिकल. जो आपके पास केमीन एल्गोरिदम है, जो केमीन क्लस्टरिंग है, वो आपके पास पार्टिशनल है. जो आपके पास हायरार्चिकल क्लस्टरिंग है, आपके पास कौन सी है, हायरार्चिकल है. ठीक है, तो ये आपके पास दो तरह की टेक्निक्स हो गई है. तो ये जो है वो क्या है, जो पार्टिशनिंग जो क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल है, आपके पास क्या है, ओरिजिनल पॉइंट्स आपके पास ये है. ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, इसको तीन क्लस्टर में आप डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा आइटम्स. ठीक है, तो आप उसमें क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब ये क्या है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, जितने भी सर्कल्स हैं आपके वो ओवरलैप नहीं कर रहे. ठीक है, तो ये आप पार्टीशनिंग कर लेते हैं. बाकी आप जो है वो फिर क्या, जो आपके पास हायरार्चिकल है, तो आपके पास क्या है, टी वन पे जो फर्स्ट लेवल पे आपके पास बड़ा क्लस्टर, उसको फिर आप बाकियों में डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे क्लस्टर्स में. ठीक है, तो ये आपके पास हायरार्चिकल, तो ये इसका जो है जो बेसिकली जो है ना आपके पास जो डेंडोग्राम इसका बनता है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेंडोग्राम कहते हैं. तो ये आपका ट्रेडिशनल डेंडोग्राम हो गया है कि आपका जो है पी वन सबसे बड़ा, फिर पी फोर, फिर पी टू, फिर पी थ्री. तो ये आपका ट्रेडिशनल बन गया. ये आपका एक नॉन ट्रेडिशनल के पी वन बड़ा, फिर पी फोर बड़ा, फिर पी थ्री, पी टू, ये आपके पास ट्रेडिशनल. लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपका इस तरह का शेप बनता है. ठीक है, तो ये इस तरह का शेप आपका बनता है जो हायरार्चिकल जो प्लस क्लस्टरिंग में है. फिर आपके जो है, अगर हम आ जाते हैं अदर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेट्स ऑफ क्लस्टर्स. ठीक है, तो अदर डिस्टिंक्शन आपकी क्या है कि आप किस तरह इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक्सक्लूसिव वर्सेस नॉन एक्सक्लूसिव. तो इस टाइप की क्लस्टरिंग में क्या होता है, इस टाइप के डिस्टिंक्शन में क्या होता है कि नॉन एक्सक्लूसिव पॉइंट में बिलोंग टू मल्टीपल क्लस्टर. ठीक है, तो उसमें एक्सक्लूसिव सर्कल आपके नहीं बनते, एक सर्कल में मुख्तलिफ ग्रुप्स के आइटम्स हो सकते हैं. ठीक है, उसको हम नॉन एक्सक्लूसिव कहते हैं. और फिर एक्सक्लूसिव क्या होता है, जो कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल क्लासेस और बॉर्डर पॉइंट्स. ठीक है, तो और एक्सक्लूसिव जो होता है वो एक्सक्लूसिव हर एक सर्कल में अपने अपने डेटा आइटम्स होते हैं. जो आपका फजी वर्सेस नॉन फजी आपका है, ठीक है, तो फजी लॉजिक आपकी क्या है कि वो आपके रेंज आपका 0 to 1 होता है, लेकिन वो आपके पॉइंट्स में होते हैं. जो आपका 0.5 से बड़ा अगर आपके पास आता है, कोई वैल्यू आता है, तो आप उसको 1 कंसिडर करते हैं. अगर 0.5 से कोई छोटी वैल्यू आपके पास आती है, तो आप उसको क्या कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इन फजी क्लस्टरिंग ए पॉइंट बिलोंग टू एवरी क्लस्टर विद सम वेट बिटवीन, आप इसको वेट कर लेते हैं. ठीक है, वेट मस्ट सम टू 1. ठीक है, तो आपका जो सम होता है वेट का, वो क्या होता है, 1 होता है. प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग है सिमिलर कैसे, जो आपके एक टाइप होती है प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग. ठीक है, वो इसी टाइप की होती है. जो पार्शल वर्सेस कंप्लीट क्लस्टरिंग आपकी होती है, तो आप
आपकी पार्शियल क्लस्टरिंग क्या होती है, जो आप पार्शियल क्लस्टरिंग करते हैं, मतलब आप पूरे के पूरे डेटा सेट को कंसिडर नहीं करते। कंप्लीट क्लस्टरिंग क्या होती है कि आप कंप्लीट डेटा आइटम्स को मैप कर लेते हैं, तो आपके क्या हो जाती है, कंप्लीट क्लस्टरिंग हो जाती है। हेटरोजीनियस हेटरोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस, ठीक है, तो ये आपके पास टाइप ऑफ डेटा होता है, होमोजीनियस डेटा होता है आपके पास, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है, और हेटरोजीनियस आपके पास उसकी डायमेंशन भी डिफरेंट होती है, तो इस तरह का डेटा आपके पास आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स थे, मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो मेन जो है हमारे जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारे पास तीन किस्म के एल्गोरिदम्स है। एक है हमारे पास K-means, ठीक है, जो K-means एल्गोरिदम है आपके हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास पार्टीशनिंग जो क्लस्टरिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास हायरार्किकल होता है। तीसरा हमारे पास डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती है, ठीक है। तो डेंसिटी बेस्ड आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो टाइम मिला तो कर लेंगे, अदरवाइज अगर ये दो भी कवर कर ले आप, तो ये आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कोर्स की पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से हम ये दोनों जो है वो डिस्कस करेंगे आज। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। जी नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा ठीक है। तो जो K-mean क्लस्टरिंग है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, ये एक वही जो क्लस्टरिंग टेक्निक है, क्लस्टरिंग टेक्निक हमारे पास क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है कि हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग के का एक एल्गोरिदम है जो क्लस्टरिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। तो K-mean करता क्या है, ठीक है, K-mean attempt to classify data without having first been trained with labeled data, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई labels नहीं होती हमारे पास पहले, ठीक है, तो just हम क्या कह लेते हैं, हम इसको data देते हैं, ये हमारे पास cluster जो है उसमें divide कर लेता है data को, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, once the algorithm has been run and the groups are defined, any new data can be easily assigned to the most relevant group, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेन मॉडल जब बन जाता है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या है, कोई भी न्यू आइटम्स जो है वो अगर हमारे पास आता है, हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, K-mean को यूज़ कर सकते हैं टू ग्रुप दैट डेटा, ठीक है। तो वो फिर डेटा आइटम्स को किस ग्रुप में शामिल करना है वो फिर हमें पता चल जाता है। The real world application of K-mean include जो आपकी है customer profiling है, ठीक है, आपके पास customer, कौन सा customer profiling है, कौन सा अमीर है, कौन सा मतलब moderate है, कौन सा जो है वो पर क्या, या कौन कौन सा customer किस type का customer क्या चीज़ लेता है, जो customer की profiling होती है वो फिर आपके पास आ जाती है कि आपके पास कौन कौन से किस किस टाइप के कस्टमर है। मार्केट सेगमेंटेशन के आप जो मार्केट है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के पोल्ट्री का मार्केट है आपके पास, जो डेयरी का मार्केट है आपके पास, जो या फिर आपके पास कहीं ग्रोसरी शॉप है, तो उसकी सेगमेंटेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग, कि ये इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के का सेक्शन है, ये इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट का सेक्शन है, तो उसकी सेगमेंटेशन भी आप कर सकते हैं। जो कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन के लिए अभी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कंप्यूटर विजन बेस सेगमेंटेशन, जो इमेज सेगमेंटेशन आप करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं जो क्लस्टरिंग को यूज़ कर सकते हैं। और फिर सर्च इंजन में आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप किस तरह की क्यूरी जो है वो फिर जनरेट करते हैं, उनके पास क्या होती है वो फिर मुख्तलिफ क्लस्टर्स हो पूरे का पूरा, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट अगर आप टाइप करते हैं गूगल में, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये अगर आप टाइप करते हैं क्रिकेट, ठीक है, तो अगर गूगल में टाइप करते हैं तो वो पूरे का पूरा डेटा सेट अपना, जितना भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है उनके पास, वेब पेजेस हैं उनके पास, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड अपने सेट ने सर्च नहीं करता, वो क्या करता है, उन्होंने वहाँ पे क्लस्टर्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट का अलग क्लस्टर होगा, ठीक है,
जो स्पोर्ट्स का अलग एक क्लस्टर होगा, ठीक है, और फिर आपके पास न्यूज़ का अलग क्लस्टर होगा, वीडियोस का अलग क्लस्टर होगा, ठीक है। तो ये फिर मुख्तलिफ किस्म के क्लस्टर्स वहाँ पे होते हैं, जिस तरह के टूरिस्ट उनके पास आती है वो किस में तलाश करेगा, उनको पता होता है कि क्रिकेट के को किस क्लस्टर में होना चाहिए, स्पोर्ट्स के क्लस्टर, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द होल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, वो जस्ट उसी क्लस्टर में आ जाते हैं, उसी क्लस्टर में उसको सर्च कर लेते हैं। तो ये फिर मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशन है वो आपकी क्लस्टरिंग की यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है। जो कैनिन का एल्गोरिदम है, इसमें मेरे ख्याल से टोटली 4 स्टेप्स है कि ये करता है किस तरह काम है, जो इन बिटवीन जो इसमें जो मेन जो मैथमेटिकल एक फार्मूला यूज होता है वो सिर्फ एक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इक्विलेडियन डिस्टेंस या फिर महलनोबिस डिस्टेंस, ठीक है। ये दो तरह के डिस्टेंसेस ये मैयर करता है, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इसमें है, सिर्फ डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो यूज़ होता है, और इसमें टोटल 4 स्टेप्स में ये पूरी की पूरी क्लस्टरिंग करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या है, आपको पहले नंबर ऑफ क्लस्टर, ये एक इसका ड्रॉबैक है केमीन एल्गोरिदम का, कि आपको जो के है, जो के क्लस्टर्स है ये पहले से नोन होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपको तो पता नहीं होता ना कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, जो वो फिर हम आगे जाके हल करेंगे कि ये के का जो मामला है आप किस तरह पे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है इसके एल्गोरिदम का वो क्या है कि सेलेक्ट के, ठीक है, जितने भी क्लस्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 क्लस्टर में डिवाइड करना चाहते हैं किसी भी डाटा को, तो आपका के क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, वो 2 होगी, ठीक है। तो आपने इतने रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया है, अगर आपके के आपका 2 है, और एक रैंडम कोई भी रैंडम, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट इन द फर्स्ट जो आपका है ना, जो फर्स्ट आपका स्टेप है, उसमें आप कोई से भी जितने भी आप क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं उतने ही पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। रैंडम पॉइंट्स एज क्लस्टर सेंटर्स, इसको सेंट्रोइड भी कहते हैं, ठीक है। तो इतने सेंट्रोइड आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपका हो गया है स्टेप 1, ठीक है। तो आपके पास ये डेटा था, आपने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और ये रेड वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है आपका, दूसरे स्टेप में ये होता है कि आपके डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो उस सेंट्रोइड से आप फिर क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर, ठीक है। तो इसके जो क्लोजेस्ट हैं उसको आप इसमें शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक यहाँ पे एक क्लस्टर बन गया है, दूसरा आपका ये एक बन गया है, ठीक है। तो ऐसा इसको आप इस पॉइंट को भी इस सेंट्रोइड को असाइन कर ले, इस पॉइंट को इस सेंट्रोइड को असाइन कर ले, इसको असाइन कर ले, इसको, इन सब को एक एक इस सेंट्रोइड को इनके जितने भी नज़दीक पॉइंट्स है उसको आपने असाइन कर ले। असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर बाई कैलकुलेटिंग इस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच सेंट्रोइड, ठीक है। तो वो आपने क्या कर लिया है, इन सेंट्रोइड को पहले स्टेप में आपने क्या कर लिया है, सेंट्रोइड ले लिए हैं, और फिर आपने क्या कर लिया है, इसके डेटा आइटम्स इसको असाइन कर लिए हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, ठीक है, डिटरमिन द न्यू क्लस्टर सेंटर बाय कंप्यूटिंग द एवरेज ऑफ द असाइन पॉइंट। तो आप क्या कर लेते हैं, इसका जितने भी आपके डेटा आइटम्स यहाँ पे बन रहे, मतलब इस क्लस्टर में जितने डेटा आइटम्स बन रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो आप उसका एवरेज निकालें, ठीक है। तो इसका मिडल पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपका मिडल पॉइंट यहाँ पे आ गया है, एवरेज जो इसका है ना, और फिर ये जो जितने भी डेटा आइटम्स है इसका क्या कर ले, मिडल पॉइंट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये इसका मिडल पॉइंट जो एवरेज है, ये इसका मिडल पॉइंट आ गया है, ठीक है। डिटरमिन द न्यू क्लस्टर सेंटर बाय कंप्यूटिंग द एवरेज ऑफ द असाइन पॉइंट। तो ये आपका सेंट्रोइड यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो सेंट्रोइड जब आपने नया सेंट्रोइड आ गया है तो आप क्या करें, स्टेप 4 में जाए। स्टेप 4 आपको क्या कहता है,
के रिपीट स्टेप टू एंड थ्री अंटिल नन ऑफ द क्लस्टर असाइनमेंट चेंज। ठीक है, तो आप क्या कर ले, फिर स्टेप टू पे आ जाए, फिर या ये आपका जो सेंट्रॉइड है वो इधर होगा कहीं पे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर लें, ठीक है, और फिर आप उसका नया सेंट्रॉइड। तो ये जो सिलसिला है स्टेप टू और स्टेप थ्री का, ये जारी रहेगा अनटिल क्या, नन ऑफ द क्लस्टर असाइनमेंट चेंजेस। जब आपका जो क्लस्टर असाइनमेंट में जो है ना आपका कोई चेंजेस ना आए, या फिर सेंट्रॉइड के पोजिशन में कोई चेंज ना आए, तो आप वहाँ पर आप अपना जो प्रोसेस है आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, तो अब तब तक आप रिपीट करेंगे जब तक नंबर वन आपका क्या है, सेंट्रॉइड की पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है, और नंबर टू आपका क्या है कि इसमें जो असाइनमेंट है आपके नए डेटा आइटम इसमें आ नहीं रहे, ठीक है, तो आप वहां पे आप इसको क्या करें, छोड़ दें। तो ये आपने जब केमीन क्लस्टरिंग अप्लाई कर ले, ये आपका एक क्लस्टर बन गया है, ये आपका कौन सा क्लस्टर बन गया है, दूसरा क्लस्टर बन गया जी। इसमें केमीन में जो एल्गोरिथम में अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। ये सर ये सिंपल क्लियर हो गया, ठीक है, नो सर कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, तो फिर आप इस एल्गोरिथम को रोकेंगे कब, ठीक है, तो स्टॉप कब करेंगे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है जो स्टेप फोर में। There are essentially three stopping criteria that can be adopted to stop k-mean algorithm. ठीक है, तो वो step four में भी हमने discuss कर लिया है कि आपका centroid of newly formed cluster do not change. आपका centroid change ही नहीं हो रहा है, तो एक criteria हो गया। या फिर दूसरा criteria क्या, points remain in the same cluster. आपके point इधर उधर cluster में नहीं जा रहे, आपके cluster में ना कोई दूसरा point add हो रहा है ना इससे रिमूव हो रहा है, तो वो आपका एक फाइनल आपका हो गया है। फिर तीसरा आपका क्या, अगर दोनों चीज़ें आपकी नहीं हो रही, आपका सेंट्रॉइड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा हो और आपका जो है पॉइंट भी इधर उधर हो रहे हो, तो तीसरा क्राइटेरिया फिर उस वक्त आपका, आपके पास फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसके लिए फिर तीसरा क्राइटेरिया है कि आप नंबर ऑफ आइट्रेशन सेट करते हैं कि इतने आइट्रेशन तक ये जारी रहे, फॉर एग्जाम्पल 300 आइट्रेशन तक ये जारी रहे, जिस तरह आपके पास न्यूरल नेटवर्क में ईपॉक्स होते हैं यहाँ पे भी आइट्रेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 300 तक ये आइट्रेशन तक ये जारी रहे, 300 तक लूप जारी रहे, 300 पे भी सही नहीं हुई क्लस्टरिंग तो बस छोड़ रहे, ठीक है, तो वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन आप रीच। तो ये तीन क्राइटेरिया है कि इसमें आप जो है वो केमीन क्लस्टरिंग जो है वो फिर रोक सकते हैं। फिर ये जो है ना जो मेन क्रिटिकल जो क्वेश्चन है कि आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो फिर किस तरह डिसाइड किस तरह करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एल्बो मेथड हमारे पास एक है, एल्बो मेथड, ठीक है, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है एल्बो मेथड किसी मशीन लर्निंग के कोर्स में या किसी और कोर्स में आपने पढ़ा हुआ है एल्बो मेथड? नो सर। अच्छा नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये बड़ा एसेंशियल है क्योंकि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको 1000 स्टूडेंट्स का या फिर किसी भी तरह का डेटा आपको दिया जाता है, तो अगर आपको पता नहीं होता कि हमने एक्यूरेटली इसको किस तरह डिवाइड किस तरह करना है, मतलब कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, आपने खुद से अगर डिसाइड करना हो तो आप खुद से किस तरह पर डिसाइड कर सकते हैं, दिस इज़ द मो वेरी क्रिटिकल पार्ट के आपको ये नोन होना चाहिए कि आप किस तरह फिर इसको कितने क्लस्टर्स में आपको डिवाइड करना चाहिए, मतलब ऑप्टिमम आपका जो है नंबर ऑफ क्लस्टर आपके कितने होनी चाहिए। तो ये आपका एक जो है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वेयर एक मेथड है आपके पास, वो भी क्या काम करता है, सिर्फ सम ऑफ स्क्वेयर आपके कैलकुलेट करता है विद इन क्लस्टर, ठीक है, तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर इतने नंबर ऑफ क्लस्टर में ले लूँ तो मेरे पास अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट आ सकते हैं, इतने नंबर ऑफ क्लस्टर मेरे ले लूँ तो मेरे पास इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते, ठीक है, तो ऑफन टाइम द डेटा यू विल बी वर्किंग विद विल हैव मल्टीपल डायमेंशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू विजुअल, ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, तो आप इसको विजुअल
मतलब वो विजुलाइज नहीं कर सकते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये डेटा तो मेरे पास आ गया है, मैं इसका करूँगा क्या, मैं अपने उसको कितने क्लस्टर में डिवाइड करूँ ताकि अच्छी किस्म की क्लस्टरिंग मेरे साथ ये डेटा की हो जाए, ठीक है। एज ए रिजल्ट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज नो लॉन्गर ऑब्वियस। तो आपको पता नहीं होता कि इसमें हम कितने नंबर ऑफ क्लस्टर, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर हम इसको डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक मैथमेटिकल वे है जिसको हम कहते हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, WCSS का एक मेथड है, इसको एल्बो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि वी ग्राफ द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ क्लस्टर एंड विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, देन वी सेलेक्ट, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है तो हम एक ग्राफ खींचते हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड पे वो ग्राफ होगा, तो उसमें हम ग्राफ खींचते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लस्टर के दरमियान जो फासला है, जो मुख्तलिफ क्लस्टर्स के दरमियान जो फासला है, उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम सम ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो दरमियान वाला फासला होता है उसको सम ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं और उसकी बिना पे हम पे डिसाइड कर लेते हैं कि किस मतलब अगर हम इतने क्लस्टर ले लें तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, ये सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस जो है वो कितना होगा। अगर हम इतने क्लस्टर ले लें तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम दो क्लस्टर ले लें तो हमारे पास जो WCSS है वो हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 500 है, ठीक है। तो अगर हम तीन क्लस्टर ले लें तो हमारे पास WCSS ठीक है हमारे पास कितना आ जाता है, 300 आ जाता है। अगर हम फोर क्लस्टर ले लें तो हमारे पास WCSS हमारे पास क्या आ जाता है, 250 आ जाता है। अगर हम फाइव क्लस्टर ले लें तो हमारे पास WCSS हमारे पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास 100 आ जाता है। अगर हम सिक्स क्लस्टर्स ले लें तो हमारे पास WCSS जो है हमारे पास क्या आ जाता है, वो तकरीबन कोई 99 आ जाता है। तो हमारे पास ये जो डेटा है यहाँ पे हमारे पास पता चल जाता है कि अगर हम पांच क्लस्टर ले लें तो हमारे पास WCSS की जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 हो जाती है। और फिर यहाँ पे फर्दर भी अगर हम छः क्लस्टर ले लें, सात क्लस्टर ले लें, आठ क्लस्टर, तो इतना चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम ये डिसाइड यहाँ पे कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो WCSS है, ठीक है, तो जो सम ऑफ स्क्वायर है हमारे पास वो तो यहाँ पे सबसे कम आ गया, तो हम इतने ही क्लस्टर ले लेते हैं। तो ये जो आपके पास ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये WSS का ये एक मेथड है, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत ये जो विद इन जो क्लस्टर होता है, एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर के दरमियान जो फासला होता है उसको ये कैलकुलेट करता है, और वो जितना कम होता है किसी खास नंबर ऑफ क्लस्टर पे उतना ही आपके पास एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर वही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो WCSS का एक फार्मूला है या फिर एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आपके नीन क्लस्टरिंग की नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। WCSS इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन ईच मेंबर ऑफ द क्लस्टर एंड इट्स संक्राइड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये इसका जो मेंबर और संक्राइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको इसकी बताता है, ठीक है। बिटवीन द क्लस्टर नहीं होता, मैं गलत था, संक्राइड और डेटा आइटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो फिगर्स है, फिगर वन है, तो इसमें हमने क्या कर लिया है, ये हमारे पास एक सेंट्रोइड आ गया है, तो इसका जो सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस है जो इसको अगर हमने एक क्लस्टर में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और इसको हमने फिर वही जो है आपके पास जो WSS है इसको हमने क्या कर लिया है, तीन क्लस्टर में, क्लस्टर वन हो गया है, क्लस्टर टू हो गया है, क्लस्टर थ्री हो गया है। तो इसका जो हमने डिस्टेंस मालूम किया है, इसका हमने डिस्टेंस मालूम किया है फ्रॉम द सेंट्रोइड, इसका हमने डिस्टेंस मालूम किया, जब हमने तीनों को जमा किया है ये फिर इससे क्या आया है, ये फिर इससे कम आया है, लेस देन आया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें पता चल गया है कि ये जो WSS, ये जो हमने तीन क्लस्टर लिए हैं तो हमें WSS हमारे पास
सबसे कम आ रहा है, तो हमें कितने क्लस्टर लेने चाहिए? हमें एक क्लस्टर लेना चाहिए, हमें तीन क्लस्टर लेने चाहिए, हमें तीन क्लस्टर लेने चाहिए। वजह क्या है कि जो डब्ल्यू सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस है वो इन तीनों में मिला के भी, मतलब इसको ऐड करके भी इस वाहिद की जो है ना जो डिस्टेंस है उससे हमारे पास कम आ रही है। तो ये जो डब्ल्यू सी एस एस का जो मेथड है वो यही है। और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक हो गया है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दे के मीन में। जी ये मुझे पता नहीं, मैंने मेरे ख्याल से अपडेट नहीं किया हुआ। हिनान मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये मैं जूम अपडेट करूंगा। अगर आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन तो दिस डायरेक्ट मैसेज कैन नॉट बी रीड, यू मस्ट अपडेट टू लेटेस्ट जूम। ठीक है, तो मैंने मेरे ख्याल से अपडेट नहीं किया, तो मैं अपडेट कर लूँगा तो मुझे कोई आपकी चैट नज़र आएगी। ठीक है, तो सॉरी फॉर देट, मेरे ख्याल से कोई जूम के उसमें डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी हो गई है केमीन क्लस्टरिंग। केमीन क्लस्टरिंग होती किस तरह है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप्स में क्या होता है और किस तरह ये क्लस्टरिंग में डिवाइड करता है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कितने नंबर ऑफ क्लस्टर हम किस तरह डिसाइड करते हैं वो भी हमने आज के लेक्चर में जान लिया है। फिर हमारे पास जो है दूसरी तरह की क्लस्टरिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं हायरार्चिकल। ठीक है, तो हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में हमारे पास क्या होती है, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आल्सो ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर। ठीक है, तो ये भी वही काम करती है जो हमारे पास के मीन जो एल्गोरिथम है उसमें हम किया करते थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तरह की हायरार्चिकल क्लस्टरिंग टेक्निक है। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं एग्लोमेरेटिव और दूसरे को हम कहते हैं डिविसिव। ठीक है, तो एग्लोमेरेटिव क्या हमारे पास है कि हम हर एक डेटा आइटम को एक एक क्लस्टर डिसाइड, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई पाँच छः हमारे पास डेटा आइटम है ये। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं एग्लोमेरेटिव में, हम क्या कर लेते हैं हर एक डेटा आइटम को एक क्लस्टर डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्लस्टर हो गया है, ये हमारे पास दूसरा क्लस्टर हो गया है, ये हमारे पास तीसरा क्लस्टर हो गया है, ये हमारे पास चौथा क्लस्टर। ठीक है, तो हर एक डेटा आइटम जो है वो आप एक एक क्लस्टर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद मैनी स्मॉल क्लस्टर एंड मर्ज देम टुगेदर टू क्रिएट बिगर, और फिर आप उसको स्टेप वाइज आप इसको मर्ज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस तो यार इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ टू क्लस्टर आप इसको एक कंसिडर कर लेते हैं। आप इन दोनों का करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं इन दोनों का डिस्टेंस तो कम है, तो आप इन दोनों को, तो आपके क्लस्टर का साइज जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है। लेकिन आपके नंबर ऑफ क्लस्टर जो है विद द पैसेज ऑफ आइट्रेशन आपके नंबर ऑफ क्लस्टर आपके कम होने शुरू हो जाते हैं और आपके क्लस्टर का साइज जो होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं एग्लोमेरेटिव। ठीक है, डिविसिव इसका उलट है कि आप क्या कर लेते हैं जितने भी डेटा आइटम है आप इसको एक ही क्लस्टर तसव्वुर करते हैं, एक ही क्लस्टर आपके पास ये आ जाता है और फिर आप एक जो बड़े क्लस्टर को छोटे छोटे क्लस्टर में फिर आप डिवाइड करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच इसको कहते हैं। स्टार्ट विद द सिंगल क्लस्टर देन ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर क्लस्टर। ठीक है, तो ये आपके दो तरह की टेक्निक है, एक को कहते हैं एग्लोमेरेटिव और दूसरे को कहते हैं डिविसिव। तो अगर आपने इसको ट्री में जाहिर कर ले तो ये आपका एक बड़ा क्लस्टर है पी क्यू आर एस टी, तो इसमें छोटे छोटे क्लस्टर है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है, एक एस है, एक टी है। अगर आप डिविसिव पे जाते हैं तो आप पहला आइट्रेशन आपका ये होता है, फिर आप इसको छोटे छोटे क्लस्टर में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड कर दे, जब तक आपको एक एक क्लस्टर के पास पहुँच नहीं जाते। ठीक है, तो ये आपके पास डिविसिव है, टॉप डाउन, जो टॉप डाउन अप्रोच है, आप टॉप से डाउन की तरफ आते हैं। जो एग्लोमेरेटिव है वो आप बॉटम अप जाते हैं, बॉटम से आप
अप जाते हैं, ठीक है। तो आप छोटे छोटे क्लस्टर से शुरू कर लेते हैं और उसको मर्ज करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये यहाँ पे मर्ज हो गया है, ये यहाँ पे मर्ज हो गया, और फिर सबको यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। तो ये आपका एग्लोमरेटिव अप्रोच है। तो आपने डिसाइड कहाँ पे करना है कि हमने कहाँ पे कट कहाँ पे लगाना है, हमने कितने क्लस्टर यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। आरएसटी मतलब ये एक क्लस्टर हमने कंसिडर करना है, या इस लेवल पे कट करना है, या इस लेवल पे कट करना है, अपने कट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपको जो है केमीन में, तो इतना आपको पता ही नहीं चलता। इसमें एक फ़ायदा ये है केमीन, और इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि आपको क्या पता चल जाता है, इसमें आपको पता चल जाता है बहुत आसानी से कि आपको कितने नंबर ऑफ क्लस्टर में इस डेटा को डिवाइड करना है, ठीक है। तो केमीन में तो आप WCSS आप सेपरेटली यूज़ करते हैं ट्रू लूप, ठीक है। इसमें आपको विद इन दिस एल्गोरिथम आपको पता चल जाता है, ठीक। तो इसके प्रोस क्या है कि एक तो ये है जो केमीन में आपके साथ इशू था कि आप क्या है कि आप कोई एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, कि एज्यूम नहीं करते आप ए पार्टिकुलर नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। तो आपकी कोई एजम्पशन नहीं होती कि आप इतने नंबर ऑफ क्लस्टर ले रहे हैं, इतने नंबर ऑफ क्लस्टर, आपको इस स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है कि आपको कितने नंबर ऑफ क्लस्टर आपको लेने चाहिए, ठीक है। और मैं करस्पॉन्ड टू मीनिंगफुल टैक्सोनॉमीज, ठीक है। फिर आपके इसके नुकसान क्या है कि ये स्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक बार जब डिसीजन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि अनडन नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास इसके कुछ प्रोज और फिर कॉन्स है, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेप्स है, 2-3, हाँ 3 स्टेप्स है, ठीक है। टोटल 3 स्टेप्स है इसके जो आपके हायरार्किकल जो क्लस्टरिंग है उसमें आपके टोटल 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप्स इसमें क्या है, स्टेप 1 में क्या है, मेक ईच डेटा पॉइंट, और ये हम कौन से की बात कर रहे हैं, जो एग्लोमरेटिव है, ठीक है। जो आपका क्या है, एग्लोमरेटिव, जो आपका जो है ना ये वाला जो जो बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। आप छोटे छोटे क्लस्टर से शुरू करते हैं और बड़े क्लस्टर तक जाते हैं, ठीक है। तो एग्लोमरेटिव अप्रोच को हम एक को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एग्लोमरेटिव जो क्लस्टरिंग है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि आप हर एक डेटा पॉइंट को आप एक क्लस्टर तसव्वुर कर ले। ये आपका एक क्लस्टर हो गया है, आपके पास 6 डेटा पॉइंट्स हैं, आपके पास कितने क्लस्टर हो गए हैं, आपके पास 6 क्लस्टर्स यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 6 क्लस्टर हो गए हैं, ये आपका क्या हो गया है, ये आपके पास स्टेप 1 हो गया है, ठीक है। फिर आपके पास स्टेप 2 क्या हो गया है, टेक द 2 क्लोजेस्ट क्लस्टर एंड मेक देम 1 क्लस्टर, ठीक है। तो आप जब देखते हैं डिस्टेंस मैयर करते हैं तो जब सबसे क्लोजेस्ट आपके पास होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये सबसे क्लोजेस्ट है आपके पास, तो इसको क्या कर लेते हैं, एक क्लस्टर बस आप कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक क्लस्टर, दोनों डेटा आइटम्स को आप एक ही क्लस्टर में रख लेते हैं, टेक द 2 क्लोजेस्ट क्लस्टर एंड मेक देम 1 क्लस्टर, ठीक है। तो ये आपका पास क्या आ गया है, ये स्टेप 2 आ गया है। स्टेप 3 आपके पास क्या आ गया है, रिपीटिशन, ठीक है, रिपीट स्टेप 2 अंटिल देयर इज ओनली 1 क्लस्टर। तो ये आप करते रहते हैं, ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड होता है कि फर्स्ट आइटरेशन में मेरे पास ये रिकॉर्ड था, फिर आप इसको भी शामिल कर लेते हैं, फिर आप इसको शामिल कर लेते हैं, फिर आप इसको शामिल कर लेते हैं, फिर आप इसको शामिल कर, फिर इसका एक बड़ा क्लस्टर बना लेते हैं। तो ये आपके पास ये आइट्रेशन जो है चलती रहेगी अनटिल व्हाट, कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक क्लस्टर नहीं बन जाता। तो ये आपके पास एग्लोमरेटिव टाइप ऑफ अप्रोच आपके पास आ गई है, ठीक है। तो ये आपके पास जो यहाँ पे जो आइट्रेशन का रिकॉर्ड है, ये कीप इन माइंड कि ये आपके पास सेव्ड होता है, ये आपके पास रिकॉर्ड होता है कि इस आइट्रेशन में हमारे पास कितने क्लस्टर थे, इस आइट्रेशन में हमारे पास कितने क्लस्टर थे, इस आइट्रेशन में हमारे पास क्लस्टर कितने क्लस्टर थे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है। तो आप फिर डिसाइड किस तरह करते हैं कि ये तो फाइनल जो आपका स्टेप आ गया, इसमें तो आपके पास एक ही क्लस्टर आ गया, तो आपका तो मसला ही हल नहीं हुआ। आपके पास तो डेटा था, वो तो आपको पता था किसी एक क्लस्टर में होना है, तो मतलब आपको फ़ायदा क्या हुआ, इसमें तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। तो इसमें फिर यही है कि आप उसकी ट्री बनाते हैं, जो आपका जो कंप्लीट जो स्टेप 2 में आपने जितने भी स्टेप्स लिए हुए हैं ना, तो उसकी एक ट्री बनती है, ठीक
ठीक है, जिसको इस वजह से हायरार्चिकल बन हम बोलते हैं कि आपके पास यहाँ पे इसकी जितने भी आपके पास क्लस्टर्स बने थे उसकी आपकी ट्री बनती है। ट्री किस तरह की बनती है, इस टाइप की बनती है, आपके पास इस तरह की ट्री बनती है, ठीक है। तो ये ट्री आपके पास बनती है और इस ट्री के शक्ल को देख के वहाँ पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कट किस तरह कहाँ पे लगाना है, क्योंकि वो कट से आपके पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने कट लगाने के लिए फिर हमारे पास जो टेक्निक यूज होती है वो हमारे पास होती है डेंडोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, डेंडोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डेंडोग्राम की जो टेक्निक है इसको हम यूज करके हम नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड कर सकते हैं विद इन द हायरार्चिकल क्लस्टरिंग टेक्निक, ठीक है। तो वी यूज ए डेंडोग्राम टू विजुअलाइज द हिस्ट्री ऑफ ग्रुपिंग। आपके पास जो स्टेप टू में जितने भी आपके पास आइट्रेशन थे उसकी आपके पास हिस्ट्री सेव होती है, तो उसकी हिस्ट्री की आप ट्री बना लेते हैं, ठीक है, और उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं एंड फिगर आउट ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर। और उसी ट्री से फिर आप क्या करते हैं, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो फिर आप डिसाइड करते हैं उसी से, ठीक है। तो वो किस तरह आप डिसाइड करते हैं, ये तीन स्टेप्स है आपके पास डेंडोग्राम के, तीन स्टेप्स है, ठीक है। तो डिटरमिन द लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस दैट डजंट इंटरसेक्ट एनी ऑफ द अदर क्लस्टर, ठीक है। तो आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस, जो आपके पास ट्री में वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे ट्री बनती है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बन गई है, ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ पे, तो आपके पास जो वर्टिकल, जो सबसे लार्जेस्ट जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है आपके पास, ये वर्टिकल डिस्टेंस है या फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस है, उसी को आप कंसिडर करते हैं। वहाँ पे भी, वहाँ पे ही आप क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सबसे बड़ी लाइन हो गई है, तो आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, यहाँ पे आप कट लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमास, जो आपके पास जो बहुत एक्सट्रीमास है वो वहाँ पे आप कट लगा देते हैं, ठीक है। द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, जितने आपके पास वर्टिकल लाइंस होंगे उतने ही नंबर आपके पास क्लस्टर्स होंगे, ठीक है। तो उस द जो आपके पास, मैं भी इसको विजुअलाइज कर लेता हूँ, आपको फिर बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास एक विजुअलाइजेशन है ये। तो आपके पास सबसे लंबी लाइन कौन सी बन रही है, सबसे लंबी लाइन है वो ये वाली बन रही है, सबसे लंबी लाइन ये बन रही है, ठीक है। जो सबसे लंबी लाइन ये बन रही है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करें कि उसमें आप यहाँ पे कट लगा ले, यहाँ पे कट लगा ले यहाँ, और इस कट में आपके पास जितने लाइन्स आ रही है उतने ही आपके पास क्लस्टर्स आ रहे हैं। मतलब आपने यहाँ पे एक कट लगा लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक कट लगा ले, इसमें आपके पास कितने लाइन्स आ रही है, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, इसमें फोर होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर के मीन में, तो आपको WCSS आपको यूज करना पड़ रहा था और उसकी लूप में उसको आपको उसमें डालना पड़ रहा था, तो उसी से आपको ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपको मिल रहे थे। लेकिन इसमें हायरार्चिकल में आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज है, ठीक है। तो आप इसको डेंडोग्राम को यूज करके इसको आप जितना भी सबसे लंबी जो आपके पास एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, उसको आप कंसिडर कर ले, कट लगा ले, और उस कट में आपके पास जितने भी लाइंस आ रही है उस नंबर ऑफ लाइंस आपका वही नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके पास होंगे। यहाँ पे आपके पास चार लाइंस आ रही है तो आपका जो नंबर ऑफ क्लस्टर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, फोर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो हायरार्चिकल क्लस्टरिंग का एक टेक्निक हो गई है जी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें सर। इसमें जो नीचे वाला पॉइंट आपने लिखा है, आपने दूसरा तो कहा कि सबसे ऊंची वाली लाइन है, तो और जो नीचे का आपने बी पॉइंट जो लिया, बी वाली लाइन, वो फिर किस तरह, वो खुद से डिसाइड होती है या वो किस तरह से डिफाइन होती है? मतलब यहाँ पे आपके पास गैप कितना आ रहा है, ये जो है ना कि यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके पास सबसे बड़ी जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास ये आ गई है, सबसे वर्टिकल लाइन, सबसे बड़ी वर्टिकल लाइन ये ही है ना,
ठीक है, तो इसमें फिर जो पॉइंट ए होता है वो ये होता है कि आपके पास जो है ना यहाँ पे, तो आपके पास कितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितने आपके इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रही है, फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ जो यहाँ पे ये जो है ये भी आपके पास एक इस तरह की लाइन आ गई है ना, तो इसके रास्ते में कितने लाइंस आ रही है, तो ये इसका अपर बाउंड हो गया है, ये इसका लोअर। अगर आप इससे नीचे आते हैं तो आपके पास जो लाइंस है वो आपके पास मिकदार उसकी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे जो आ रही है जो दूसरी लाइंस आ रही है ताकि ओवरलैप ना हो, जब कम से कम आपका ओवरलैप हो। ठीक है, तो कम से कम आपका ओवरलैप हो यहाँ पे आपकी आ रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको नीचे आ जाए तो ये भी आ रही है, फिर ये भी आ रही है, फिर ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो अगर आप इसको नीचे लाते हैं तो ये सारी आ रही है, अगर आप ऊपर लाते हैं सिर्फ ये आते हैं तो आपके पास क्या है, अगर सिर्फ दो क्लस्टर बन रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ का डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा है, कहाँ पे बन रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है सबसे लंबी लाइन और फिर ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंसिडर कर ले, यहाँ पे ये डिस्टेंस आपके पास बन रहा है तो ये कम है ना, ये ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो आपके पास इतना डिस्टेंस आ रहा है, ये इतना इतना बस डिस्टेंस आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस यहाँ जी, बट अगर हम ए लाइन इधर ही करें और बी को थोड़ा और नीचे ले जाएं तो डिस्टेंस तो बढ़ना के? नहीं, डिस्टेंस आपका यहाँ पे लेवल्स है ना, लेवल से आपने नीचे नहीं आना ना, विद इन द लेवल आपने करना है ना, इस लेवल से लेके इस लेवल तक, ये आपका जॉइंट है ना यहाँ पे, ये भी आपका जॉइंट है। ठीक है, तो विद इन द लेवल आपका जो है वो कौन सा डिस्टेंस आपका सबसे ज्यादा आ रहा है, कौन से लेवल का डिस्टेंस आपके पास ज्यादा, आप एक तो आपने सबसे लंबी लाइन आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर उस किस लेवल पे आपकी सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, इस लेवल पे आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, इस लेवल पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, इस लेवल पे आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, इस लेवल पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस, किस लेवल पे उसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, तो जिस लेवल पे आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है उस लेवल पे जितने भी लाइंस आपके आ रहे हैं तो वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है आपके। इस लेवल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, इस लेवल में कितने लाइंस आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, फोर लाइंस आपके आ रहे हैं, तो फोर नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके आ जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ये जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग का है, तो इसमें बेसिकली जो है ना आपका यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक है आपकी, तो इसमें फिर आप किस तरह ये डिस्टेंस जो है वो मैयर किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं लिंकेज। ठीक है, तो जो लिंकेज क्राइटेरिया है कि आप ये डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर आप किस तरह मैयर किस तरह करते हैं, तो वो भी आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स हैं इसके हायरार्किकल, जिस तरह आप के एसवीएम में मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स हैं, डिसीजन ट्री में आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन आप इसमें यूज़ करते हैं, तो ये भी लिंकेज क्राइटेरिया इसमें एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग में होता है, तो इसके मुख्तलिफ किस्म में होती है, और वो क्या डिस्टेंस मैयरिंग के टेक्निक है कि आपने डिस्टेंस कौन कौन से डिस्टेंस आपने मैयर करने, किस तरह के डिस्टेंस आपने मैयर करने, तो इसको हम कहते हैं लिंकेज क्राइटेरिया। ठीक है, लिंकेज क्राइटेरिया होता क्या है, सिमिलर टू ग्रेडियंट डिसेंट यू कैन ट्वीक सर्टेन पैरामीटर टू गेट ड्रास्टिकली डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, तो इसको आप ट्वीक करके एक अच्छा हायरार्किकल क्लस्टरिंग आप अचीव कर सकते हैं। द लिंकेज क्राइटेरिया रेफर टू हाउ द डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो डिस्टेंस के क्लस्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस तरह हमने कैलकुलेट, क्लस्टर में तो बहुत डेटा आइटम्स होते हैं ना, तो हमने क्या डिसाइड करना है कि कौन से डेटा आइटम का किस डेटा आइटम के साथ डिस्टेंस हमने, ये किस तरह हमने डिसाइड करना है, तो ये फिर हम डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग लिंकेज क्राइटेरिया। ठीक है, बिलो इज द लिस्ट ऑफ लिंकेज क्राइटेरिया, तो ये हमारे पास लिंकेज क्राइटेरिया है, एक है मिनिमम, एक है मैक्सिमम, एक है ग्रुप एवरेज, एक है डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड्स,
और एक है अदर मेटाडेटा बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स ये मुख्तलिफ किस्म के जो मिनिमम है आपके पास वो क्या किस तरह का डिस्टेंस आपके पास मैयर करता है वो इस तरह का कि आपके पास मिनिमम बिटवीन द क्लस्टर मिनिमम डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है। तो आप क्या जो सबसे नज़दीक नज़दीक जो डेटा पॉइंट है उसके दरमियान आप डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ये आपका क्या है ये मिनिमम लिंकेज क्राइटेरिया है कि आप लिंक किस तरह करते हैं और ये इसका फार्मूला है। मैक्सिमम क्या है कि आपके पास दो क्लस्टर्स के दरमियान मैक्सिमम कितना फासला आ रहा है। तो सबसे फार अवे जो डेटा आइटम है इसके दरमियान और सबसे फार अवे जो इधर डेटा आइटम है इसके दरमियान आप डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये क्या है मैक्सिमम लिंकेज क्राइटेरिया है। फिर आपके पास एवरेज आ जाता है। तो एवरेज क्या आ जाता है हर एक डेटा आइटम का दूसरे क्लस्टर के साथ आप डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज लिंकेज आ गई है और ये फिर वर्ड्स आ गई है, ठीक है। के आप क्या है कि सेंट्रॉइड नहीं सिर्फ आप जो है वर्ड्स वर्ड्स क्या होते हैं बच्चे होते हैं, ठीक है। मतलब डेटा आइटम डेटा आइटम्स के दरमियान आप जो है वो एक दरमियानी पॉइंट आप ले लेते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड के दरमियान दरमियानी पॉइंट और उसके फिर डिस्टेंस आप मेजर कर लेते हैं। और सेंट्रॉइड के दरमियान डिस्टेंस किस तरह होता है जो सेंट्रॉइड लिंकेज पर एक सेंट्रॉइड से दूसरे सेंट्रॉइड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सेंट्रॉइड लिंकेजेस होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स है हायरार्किकल क्लस्टरिंग के। जब आप क्या करते हैं जब आप ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, जो आपके पास स्टेप टू में आता है ना ये टेक द टू क्लोजेस्ट जो क्लोजेस्ट डेटा सेट के दरमियान जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो उसमें फिर हमारे पास लिंकेज क्राइटेरिया आता है और लिंकेज क्राइटेरिया में हमारे पास क्या होता है ये मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स है। मिनिमम है मैक्सिमम है ग्रुप एवरेज है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड है और ये वर्ड्स वाला जो मेथड है ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो इसके थोड़े बहुत विजुअल्स हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और वर्ड्स वाला जो मेथड है उसकी थोड़ी सी है। अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन कर लें, ठीक है, तो चलो मैं फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये पाइथन तो चलो इसको और को थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल टाइम थोड़ा सा लगाएगा, ठीक है। तो आपको ये लाइब्रेरीज चाहिए होगी अगर आप केमीन क्लस्टरिंग एनालिसिस करते हैं, ये लाइब्रेरीज आपको चाहिए होगी, ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक पांडास एक मेटलॉग मेटप्लॉटलिब जो आपको प्लॉटिंग के लिए एक नमपाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप क्या कर लेते हैं कोई भी आपका डेटा सेट मैंने एक लिया हुआ है, मैं आपको एक दिखा भी दूंगा माल कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर का एक डेटा सेट है हमारे पास वो हमें दिया गया है, मेरे ख्याल से 200-300 कस्टमर्स का डेटा है। उसकी में क्या है उसकी एज है उसकी जेंडर है और वो उसकी क्या अर्निंग क्या है और उसकी एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। फिर हम उसकी सिर्फ उसकी अर्निंग और एक्सपेंसेस को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने डेटा सेट कर लिया है। फिर हम इसको स्कैटर प्लॉट के जरिए फिर प्लॉट भी कर लेते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे डेटा आइटम्स इसके आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है हमने फिर WSS मेथड किस तरह यूज़ करना है। जो WCSS जो मेथड है वो हमने यूज़ करना है इस तरह थ्रू लूप, ठीक है। थ्रू लूप हमने इस तरह ये जो WCSS मेथड की जो है ना केमीन जो हमने यूज़ किया है हमने क्या किया है केमीन की आप लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर लेते हैं इसके लर्न से WCSS एक एरे ले लेते हैं और उसको एम्प्टी कर लेते हैं और आप जितने नंबर ऑफ क्लस्टर आप लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये 10 नंबर तक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 10 क्लस्टर तक देखना चाहता हूँ कि किस तरह मेरे पास WCSS का जो ग्राफ है वो किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो 1 to 11 आप लूप चलाते हैं, यहाँ पे केमीन आप क्लस्टरिंग आई यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर
आइट्रेशन वन में वन होगा, आइट्रेशन टू में टू होगा, आइट्रेशन थ्री में थ्री होगा, ठीक है। फिर जो केमीन प्लस प्लस इसका एक वेरिएंट है, रैंडम स्टेट आपने आ गया है, और फिट आप इसको कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, और फिर आप क्या कर लेते हैं, इसमें आप वो डेटा को ले लेते हैं, ठीक है। तो वो WSS में आपका अपेंड हो जाता है, और फिर आप उसको प्लॉट कर लेते हैं, तो प्लॉट भी आप देखेंगे कि आपका प्लॉट किस तरह बन रहा है। तो आप प्लॉट को देख के ही आपको पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर मेरे होने चाहिए। फिर आप जो नंबर ऑफ क्लस्टर आपने फॉर एग्जांपल प्लॉट से हमने देखा था कि 5 जो क्लस्टर अगर हम लेंगे, हमारे ऑप्टिमल जो WCSS का जो है ना, जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास कम से कम आ रहा है। तो हमने 5 पे इसको ट्रेन किया है वही, और फिर हमने वही पे प्रिडिक्ट किया, और उसको फिर क्या किया है, उसको फिर यहाँ पे प्लॉट किया है, ये फिर प्लॉटिंग है, ठीक है उसकी। तो मैं चलो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अच्छा, क्लस्टरिंग हो गई है, केमीन क्लस्टरिंग बाय यहाँ पे तो केमीन क्लस्टरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये जो लाइब्रेरीज है ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इंपोर्ट हो रही है हमारे पास जो लाइब्रेरीज है, तो MP मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो इम्पोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक NumPy की लाइब्रेरी है, Matplotlib है, Pandas है, ये स्टार यहाँ पे आ रहा है, तो ये अभी तक रन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटा सेट है, कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मार्केट, हाँ माल कस्टमर, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, ये जो है ना माल कस्टमर का डेटा सेट, हमारे पास क्या है, कस्टमर नंबर है, उसकी जेंडर है, फिर एज है, फिर एनुअल इनकम है, और स्पेंडिंग स्कोर, इसने कितना स्पेंडिंग स्कोर किया हुआ है, कितनी स्पेंडिंग, हमारे पास 200 का डेटा है। तो 200 के डेटा को हमने क्या करना है, जिसको हमने क्लस्टर में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करना है ये फिर हमने डिसाइड करना है, ठीक है। ये लाइब्रेरीज आपकी इंपोर्ट हो गई है, फिर आपके पास यही जो डेटा सेट है, आपके नए वही मेल है, एज है, उसकी एनुअल इनकम है, और फिर स्पेंडिंग स्कोर, उसने 100 में कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो फिर हम इसको डेटा सेट में ले लेते हैं, और फिर इसका सिर्फ ये वाले दो कॉलम हम ले लेते हैं, ठीक है। जो एनुअल इनकम है, आप बाकी भी ले सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अपनी आसानी के लिए इसकी एनुअल इनकम जो कॉलम 3 है, और फिर कॉलम 4 है जो स्पेंडिंग स्कोर है, सिर्फ हमने इस सबसेट को हमने इस लिया है इस क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है। तो आप सारे डेटा सेट को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया है जो डेटा सेट आपके पास, ये हमने 3 और 4 का ये आपके पास डेटा सेट की एरे आ गई है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं। तो ये जो हम अगर विजुलाइज कर लेते हैं, तो ये आपके पास इस तरह का डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुअल से पता चलेगा, पता नहीं कितने क्लस्टर्स आपके पास बन रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 मेरे ख्याल से कोई, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो उसमें आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये आपके पास एक यहाँ पे आ गया है जो आपकी विजुअलाइजेशन आ गई है। फिर आप क्या करते हैं, WCSS, ठीक है। तो जो WCSS को आप अप्लाई करते हैं, तो ये जो रैंडम में आपके पास जो यहाँ पे जो लूप में आपके पास चल रहा होता है, ठीक है, तो आपके पास हर एक क्लस्टर की WCSS, हर एक यहाँ पे केमीन, और फिर केमीन आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं विद क्लस्टर ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू 11, ठीक है। 1 से लेकर 11 क्लस्टर तक आप क्या करते हैं,
इसको, तो ये आपके पास ये ग्राफ यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अगर आपके पास क्लस्टर टू हो तो आपके पास यहाँ पे एरर था, डब्ल्यू सी एस एस का डिस्टेंस यहाँ पे था। आपके पास अगर क्लस्टर थ्री हो तो आपके पास यहाँ पे तकरीबन कोई 100,000 के करीब था। फोर हो तो यहाँ पे तकरीबन कोई 75,000 के करीब था। फाइव हो तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन कोई 50,000 के करीब था, ठीक है। सिक्स हो तो वो थोड़ा बहुत आपके पास कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ड्रास्टिकली चेंज था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतना चेंज नहीं था। तो आप को नंबर ऑफ क्लस्टर अगर आप यहाँ पे 5 ले लें तो आपका मेरे ख्याल से वो एक ऑप्टिमल किस्म की क्लस्टरिंग आपकी बन जाती है। तो ये आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है इसको करने के लिए, WCSS, ठीक है। WCSS में जब आपका मतलब एरर इधर आ रहा है तो आप यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, ठीक है, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन आपका अगर यहाँ पे ले ले 5 ले ले तो तकरीबन आपका इतना, फिर ये जो है ना नीचे की तरफ जो जा रही है लाइन, ये इतना नीचे की तरफ फिर नहीं जा रही 5 के बाद, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे 5 आप इसको कंसिडर, तो हमने कंसिडर कर लिया है 5, ठीक है, कि आपका ये 5 होगा, ठीक है। तो हमने 5 पे यहाँ पे क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर 5 ले लिया है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्लस्टर हमने ये ले लिया, फिर हम इसको अगर विजुलाइज करते हैं कि आपके क्लस्टर बने किस तरह है, तो ये आपकी विजुलाइजेशन की कोड है, ठीक है। तो ये आपकी विजुलाइजेशन की आ गई है कि आपका क्लस्टर 1 इस कलर का आ गया है, क्लस्टर 2 आपका ब्लू कलर का आ गया है, क्लस्टर 3 आपका रेड ग्रीन कलर का आ गया है, क्लस्टर 4 जो है आपका ब्लू कलर का तकरीबन ब्लूइश कलर का आ गया है, ये कोई पिंकिश कलर का आ गया है, ठीक है। और ये इसके सेंट्रॉइड आ गए, इसका सेंट्रॉइड ये है, इसका सेंट्रॉइड ये है, इसका सेंट्रॉइड, तो आपको विजुअल पता चल गया है कि आप अगर इसको इन क्लस्टर्स में डिवाइड कर ले तो आपका ये आ जाता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हायरार्चिकल की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने WCSS किया था, यूज किया था फॉर गेटिंग नंबर ऑफ क्लस्टर, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पे हम ये WCSS मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमें खुद इस ट्री के स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर हमें यूज करने हैं। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लिया है, वही डेटा सेट हमने इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है, जो हमने केमीन के लिए लिया हुआ था, ठीक है। वही हमने प्लॉट भी कर लिया है, वही डेटा आइटम हमने प्लॉट भी कर लिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम डेंडोग्राम के ज़रिए हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, कि हमें हमारे पास डेंडोग्राम इसका क्या बन रहा है। तो अगर हम डेंडोग्राम इसका प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें हायरार्चिकल क्लस्टरिंग से पहले हमें इसका डेंडोग्राम ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे पास इसका डेंडोग्राम किस तरह आ रहा है, ठीक है। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, वार्ड वाला मेथड यूज़ किया है। आप मिनिमम भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम भी यूज़ कर सकते हैं, एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो सेंट्रॉइड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास, तो यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास सबसे लंबी लाइन मेरे ख्याल से कोई या ये वाली आ रही है या ये वाली आ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली अगर कंसिडर कर लें, ठीक है, तो दोनों तकरीबन बराबर है, तो इसमें फिर जो है हमारे पास डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम लाइन ए यहाँ पे खींचे, लाइन बी यहाँ पे खींचे, यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, अब हम 3 भी ले सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे, लेकिन ये डिस्टेंस हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, अगर ये हम कंसिडर कर ले तो ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ले तो ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा आ रहा है बनिस्बत इस डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ लाइंस कितने आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और फिर 5, हमारे पास 5 लाइंस आ रहे हैं। तो हमारे पास 5 लाइंस आ रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, ठीक है। तो हमने विदाउट यूजिंग WCSS हमने हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में ये डिसाइड कर लें कि हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर जो है वो कितने होंगे, 5 होंगे। इसमें आप यूक्लिडियन या फिर मोहलनोबिस डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप की लिंकेजेस जो है हमने इसमें भी वार्ड यूज़ किए,
ठीक है, तो इसमें भी लिंकेजेस आप वर्ड यूज करते हैं, तो यह आपका ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फिर जब इसको विजुलाइज करते हैं आप, तो ये आपके पास ये वाले क्लस्टर्स इसके बन गए हैं, तो इसमें भी 5 क्लस्टर आपके पास बन गए हैं। तो इसमें देखता हूँ मैं अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है हमारे पास या नहीं आ रहा है, तो इसमें तकरीबन इस तरह के आपके पास आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे कुछ रेड आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे ब्लू आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये सारे के सारे आपके पास ब्लू आए। तो ये थोड़ा सा आपके पास है कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सी क्लस्टरिंग टेक्निक पे यूज़ करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। ठीक है, आपने क्या करना है, असाइनमेंट 7 है आई थिंक ये। ठीक है, तो असाइनमेंट 7 में आपने क्या करना है, इसको जस्ट इसके साथ खेलना है। ठीक है, आपने क्या करना है, विजुलाइज द केमीन। आपने आपका जो आखिरी आया है ना ये विजुलाइजेशन का, ये जो ग्राफ आया है, ठीक है, तो यहाँ तक आपने पहुँचना है सबके लिए। आपने क्या करना है कि आपने हायरार्किकल और केमीन दोनों क्लस्टर को यूज़ करके कितने क्लस्टर्स के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए और 10 के लिए। ठीक है, तो ये आपने क्लस्टर परफॉर्म द हायरार्किकल क्लस्टरिंग विद डिफरेंट लिंकेज क्राइटेरिया। आपने वार्ड वाला यूज़ किया है, आप मेन मैक्स और एवरेज भी करके देख ले आपके पास कोई शेप इसकी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ये इसकी सबमिशन डेडलाइन है, तो आप इसके साथ खेले। मैं आपके पास ये शेयर कर लेता हूँ LMS पे, ठीक है, और कोड भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और आपका जो डेटा सेट है ये भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो आप ये मुख्तलिफ किस्म के 6 के लिए आप कर ले, 8 के लिए, 10 के लिए, और फिर आप हायरार्किकल में आप वर्ड जो हमने लिया हुआ था लिंकेज क्राइटेरिया उसको आप मिनिमम मैक्सिमम एवरेज करके देख लें। तो मतलब मैं हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो आप फर्दर रीडिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यही है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। एक चीज पूछनी थी कि वो इस से थोड़ा सा हट के पूछे था कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा सेट होता है स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ना, वो नंबर या डेटा इस तरह नहीं होता, मुख्य स्ट्रिंग हैं, पर हमने फाइंड करना है कि क्या उन स्ट्रिंग में कोई सिमिलैरिटी, मतलब वो ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट हैं, तो क्या उनमें से कौन सी लिस्ट कितनी मतलब आपस में क्लोज है, क्या उनमें से कोई एक उन तीन चार हैं, तो क्या उनके बराबर रिड्यूस करके हम जी आप कंप्लीट कर लें। तो यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इस तरह की लिस्ट है कि ब्रेड बटर मीट या कोई इस तरह के फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं, तो अब 4-5 लिस्ट है इसी तरह की लिस्ट हैं, तो इनमें से जेनेरिक कोई एक बनाने का मतलब ये है कि वो ये डिवाइड करना तो क्लस्टरिंग हो गया, तो क्लस्टर से ही कोई एक मेन चीज़ निकाल लेना, वो क्या इस तरह के डेटा से एल्गोरिथम से किया जा सकता है, या उसके लिए कौन सा किस तरह की चीज़ बनने को अप्लाई करनी चाहिए। वो फिर इस तरह है ना, एक तो आपको जो अगर आपके पास टेक्सचुअल डेटा या फिर कोई और तरह का डेटा हो विदाउट नंबर्स, ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ नंबर्स को, सिर्फ 3 और 4 जो आपका है ना कॉलम उसको सिर्फ कंसिडर किया है, जो आपका यहाँ पे 3 और 4 कॉलम है उसमें नंबर्स थे सिर्फ हमारे पास, तो उसको सिर्फ आपने कंसिडर किया। फिर आपको अगर आपके पास स्ट्रिंग का डेटा है कोई इस तरह का, तो आपको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है वो आपके पास कौन सा डेटा है, आपके पास कंटिन्यूस डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है, कौन सा डेटा है, तो उसको आपको एक नंबर देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके ऑलरेडी हमने देखे हुए थे कि आपने किस तरह उस टाइप का डेटा किस तरह आपने ट्रांसफॉर्म किस तरह करना है। ठीक है, तो पहले आपने उसकी डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो है आपने अगर वहाँ पे कोई ग्रुप्स आपके आ रहे हैं या कोई मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स आपके पास आ रहे हैं या इस तरह आ रहे हैं, तो इसमें क्लस्टरिंग में ये है कि आपके पास ग्रुप्स ज़्यादा और कम नहीं हो सकते, आपके पास ग्रुप में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो आपके पास बराबर होने चाहिए। लेकिन उसका भी एक हल है जो हमने एसोसिएशन रूल्स किया हुआ था, तो उसमें अगर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट का हमने किया हुआ था ना, तो उस तरह की आप ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर आप के पास एक कंप्लीट, जब आपकी प्री प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो आप फिर उस प्री प्रोसेसिंग के बाद जो है क्लस्टरिंग को यूज़ करके आप उसकी फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक। जिसमें हमने एसोसिएशन रूल्स में पढ़ा हुआ था किस तरह आप ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह की डेटा की आप कर सकते हैं। समझ में आ गया ये बात? सही, मेरा बेसिकली यही था कि अब इस तरह के डेटा में से जैसे इस काम में हमने एक तरह से ग्रुपिंग की है, तो वो क्या ग्रुपिंग से जनरलाइजेशन वाला यानी ओल्ड थोड़ा सा वो प्रोसेस हो जाता है ना कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और आप उसमें से एक जनरल ग्रुप को पकड़ रहे हैं कि ये मेरे मतलब हर तरह के प्रॉब्लम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। Exactly. मैं हाँ जी, तो वो उसके लिए फिर किस तरह के एल्गोरिथम होते हैं, ये क्वेश्चन चाह रहा हूँ। जो केमीन जो एल्गोरिथम है या फिर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, ये जस्ट आपका क्या होता है, आपका डेटा जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फीचर्स इट इज हैविंग, ठीक है। तो आपको इवन ग्रुप्स के नाम भी नहीं बताता, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो क्लस्टर्स आपके पास बन गए हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ग्रुप्स के नाम भी नहीं बताता, जस्ट आपको क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री बता देते हैं। आपको फिर खुद से डिसाइड करना है कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ऑफ डेटा में क्या चीज़ सिमिलरिटी है, आप इसको एक अलग नाम दे देते हैं। इस ग्रुप ऑफ आइटम्स में क्या सिमिलरिटी है, आप इसको अलग नाम दे देते हैं। तो बेसिकली जो आपकी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो आपको नाम अभी नहीं बताता, ठीक है। जस्ट क्या करता है, आपको डेटा लेता है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी इट इज हैविंग, इट डिवाइड्स इट इनटू द वेरियस ग्रुप्स, और नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में आपका डेटा जो है वेल डिफाइंड, जो ऑप्टिमम तरीके से आपका डिवाइड हो जाता है। चले, अगर आपको कोई और स्पेसिफिक कोई हो ना, शायद मुझे आपके क्वेश्चन के अच्छे तरीके से अगर कोई समझ नहीं आ रहा